जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जवाद और सामा आप लोगों ने टेस्ट मुझे जो करके दिया था मैंने आप लोगों को उस पर रिस्पॉन्ड कर दिया है, ठीक है। आई होप यू हैव चेक्ड। सामा मैंने आपको ईमेल कर दिया था, जवाद आपने चेक कर लिया है, ठीक है। तो उसमें जो अब शॉर्टकमिंग्स थी, जो मिस्टेक्स थी, वो मैंने वैसे तो आप लोगों को बता दिए हैं, लेकिन एक दफा हम जल्दी से आज थोड़ा सा इस टेस्ट को हम डिसाइड डिस्कस करेंगे। आई शुड मेंशन ओवर हियर कि मैं बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ इन द टेस्ट का जो टर्न ओवर है। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होता है कि वो विद इन 24 आवर्स जो मैंने एक डेजिग्नेट किया हुआ है टाइम, उसमें अगर वो टेस्ट नहीं दे सकता, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने मुझे करके भेजना ही नहीं है, ठीक है। आप जरूर उसको अटेम्प्ट करें, आप मुझे अलग से बता दें कि मैं नहीं अब इस आज के दिन या नहीं अटेम्प्ट कर सकते, आप काइंडली मुझे थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम दे दें, तो मैं डेफिनेटली लिमिट दे दूंगी। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ठीक है। तो आउट ऑफ एन एवरेज अटेंडेंस ऑफ अराउंड 10 स्टूडेंट्स, जो 4 जो टर्न ओवर हो रहा है, तो दैट इज वेरी लेस, ठीक है। तो अगर इसी तरीके से चलता जाएगा तो फिर मुझे ये कि फिर आई विल डिसकंटिन्यू दिस एक्टिविटी, या फिर मैं जो टेस्ट सिर्फ उन बच्चों को मेल प्राइवेटली कर दिया करूंगी जो इंटरेस्टेड हैं देने में, ठीक है। तो मैं बार बार इसलिए टेस्ट का इतना एम्फसाइज करती हूँ कि दिस इज इम्पोर्टेंट। मैं कोई इतने में कोशिश करती हूँ, मैं इजी टेस्ट ना रखूँ, मैं थोड़े मुश्किल टेस्ट देती हूँ जिस तरह के एक्सपेक्टेड हैं आईकैस के एग्जाम के अंदर। तो वो आपके लिए खुद के लिए अच्छा है, मुझे भी एक दफा पता लग जाता है कि क्या प्रोग्रेस है, बच्चों को कितना समझ में आ रहा है, कितना नहीं समझ में आ रहा है, कौन से एरिया पे थोड़ा और काम करने की जरूरत है। तो इट इज गुड फॉर मी एज वेल एज फॉर यू, राइट। तो जिन्होंने नहीं दिया, देना चाहते हैं अभी भी, या चले उन्होंने, अगर अभी तो मार्किंग स्कीम भी अपलोड हो गई है, नहीं अगर मुझसे शेयर करना चाहते तो एटलीस्ट एक दफा खुद से उस टाइम लिमिट में अपने आप को, टाइम लिमिट आई होप आप लोगों ने किया होगा 45 मिनट्स अगर हैं तो, अपने आप को टाइम करके जरूर जो है आपने अटेम्प्ट करना है, ठीक है। अच्छा सही है, तो ये हमारे पास क्वेश्चन था। क्वेश्चन ये कहता है कि अल्ताफ, आसिफ एंड इमरान हैव बीन इन पार्टनरशिप सिंस द पास्ट फ्यू इयर्स, शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 1:2:1, और द अदर टर्म्स ऑफ द पार्टनरशिप आर एज फॉलोज। और उसमें वो ये कह रहा है कि ओसामा, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन स्टेटमेंट फॉर्म में देखो, कुछ चीजें जो है ना हमें उस तरह से करनी पड़ती हैं जो कि प्रैक्टिकली ज्यादा फॉलो होती हैं, ठीक है। तो स्टेटमेंट फॉर्म इज मोर क्या कह सकते हैं, फॉलोड, ठीक है। आप प्रैक्टिकल जब उसमें देखते हो तो ठीक है, आपके पास एक टी अकाउंट फॉर्म में भी होता है, जाहिर सी बात है, आप जिस आपने बनाया था एक वो भी आपका फॉर्मेट होता है, लेकिन वो अभी थोड़ा रिडंडेंट हो गया है। जो कंपनीज हैं, जो बिजनेसेस हैं, वो अब स्टेटमेंट फॉर्म को ही प्रेफर करते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको स्टेटमेंट फॉर्म में, फिर जैसे आप IS-1 पढ़ोगे अभी, तो क्योंकि अभी आप SAR-1 में आ गए हो, SAR-1 में थोड़ा सा आप स्टैंडर्ड की एप्लीकेशन और जो प्रैक्टिकली जो चीज हो रही है अब आप उसको पढ़ोगे, तो उसमें आप देखोगे कि उसमें ज्यादातर जो है वो प्रेफर किया जाता है कि आप स्टेटमेंट फॉर्म में ही बनाओ। तो आपने अब से स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजिशन, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम प्रॉपर उस प्रैक्टिकल फॉर्म में बनाना है, ठीक है, स्टेटमेंट फॉर्म में, राइट। अच्छा जी, तो सवाल ये था कि आपके पास जो टर्म्स हैं पार्टनरशिप के, वो ये हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 5% ओपनिंग बैलेंस के अंदर, ठीक है। उसमें उन्होंने स्पेसिफाई कर दिया कि 5% ऑन ओपनिंग बैलेंस। अल्ताफ रिसीव सैलरी अमाउंटिंग टू ₹20,000 पर मंथ। ये एक किसी स्टूडेंट ने गलती की हुई है कि 20,000 को सीधा सीधा पूरे साल का उन्होंने सैलरी ले ली, हालांकि ये क्या है, पर मंथ है, तो हमें इसको 20,000 × 12 करना पहले जरूरी है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज टू बी चार्ज एट 6% पर एनम ऑन अ प्रोपोर्शनेट बेसिस, और इसको मैंने जस्ट एक्सप्लेनेशन पर्पजेस आगे मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया, जरूरी नहीं है सवाल में ये चीज मौजूद हो, क्या नहीं है कि चार्जिंग इज टू बिगिन फ्रॉम द मंथ ऑफ द ड्रॉइंग टेक्स प्लेस। अब आगे जाके आपको क्या दिया हुआ है, ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है। ट्रायल बैलेंस को मैंने सिर्फ एक ये छोटी सी एडजस्टमेंट की थी, थोड़ा टाइपिंग एरर था, ये 5% होना, 5% था पहले सवाल के अंदर, अब ये 10% होना चाहिए। ये काइंडली सारे अपने पास क्वेश्चन पेपर में ये रिप्लेस कर दें, ठीक है, मैंने अपलोड कर दिया हुआ। फिर आपके पास अदर इंफॉर्मेशन में क्लोजिंग इन्वेंट्री है, और एक इन्फॉर्मेशन ये कि आसिफ हैड इंट्रोड्यूस्ड एडिशनल कैपिटल अमाउंटिंग टू ₹80,000 व्हिच ही हैड डिपॉजिटेड इन द बिजनेस बैंक अकाउंट ऑन 1 अप्रैल 2015, यानी कि डबल एंट्री क्या पास होनी चाहिए थी, बैंक डेबिट और कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। आगे वो क्या कह रहे हैं, करेक्ट अकाउंटिंग एंट्रीज वर पास्ड इन द बुक्स रिगार्डिंग दिस, यानी कि ये इस पूरे किस्से की अकाउंटिंग हो चुकी है ऑलरेडी,
यू डू नॉट हैव टू पास एडिशनल एंट्री फॉर दिस, आपको एडजस्टमेंट करने की इसमें जरूरत ही नहीं है. तो फिर ये इंफॉर्मेशन दी भी क्यों है, ये दी भी है आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने के लिए. ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ, यहाँ पे जो ट्रायल बैलेंस में आपको एसेट्स की ट्रायल बैलेंस में कैपिटल की जो फिगर नजर आ रही है 1,80,000, ये क्या है आफ्टर अकाउंटिंग फॉर 80,000 एडिशनल कैपिटल. इसमें 80,000 का जो उसने ड्यूरिंग द ईयर कैपिटल फर्दर इन्वेस्ट किया वो भी इसमें शामिल है. तो ओपनिंग के हमें क्या करना पड़ेगा, उस 80,000 को निकाल देना पड़ेगा, तो वो क्या हो जाएगा 1,00,000 हो जाएगा. राइट, फिर हम आगे जाते हैं, वो क्या कह रहा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स हैव नॉट बीन पेड और रिकॉर्डेड येट. अब इस सवाल में तीन किस्म के इंटरेस्ट इन्वॉल्व हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग और इंटरेस्ट ऑन लोन. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और ड्रॉइंग के बारे में तो बता दिया कि ना उसकी रिकॉर्डिंग हुई है ना उसकी पेमेंट हुई है. राइट, इंटरेस्ट ऑन लोन का फिर क्या किस्सा है. अब देखिए आप लोगों को इतनी अकाउंटिंग अब सीख जानी चाहिए, या अगर आपको नहीं आती तो अब आपने सीखना है इस चीज को. ट्रायल बैलेंस में या क्वेश्चन के अंदर इंफॉर्मेशन जो गिवन है उसको आपने पिक करना है, क्या काम हो चुका है, किस काम की एडजस्टमेंट की जरूरत है, किस काम में एरर है उसको हमने ठीक करना है, किस काम में कोई एरर नहीं है. राइट, अब यहाँ पे अगर आप देखते हैं, यहाँ पे आपको एक चीज नजर आ रही है इंटरेस्ट ऑन लोन, और लोन आपके पास क्या है, सिर्फ एक ही आपके आपको लोन नजर आ रहा है, कोई और बैंक लोन नहीं है, कोई थर्ड पार्टी से लोन नहीं है, सिर्फ एक ही लोन है और वो किसके साथ है, किससे मिला हुआ है, वो पार्टनर से हमें मिला हुआ है, इमरान से मिला हुआ है. तो इंटरेस्ट ऑन लोन आपको नाम की ट्रायल बैलेंस में एक चीज नजर आ रही है डेबिट साइड पर. राइट, तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, एक्सपेंस, इंटरेस्ट एक्सपेंस. ट्रायल बैलेंस में इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑलरेडी शो हो रहा है, विच मीन कि इस इंटरेस्ट एक्सपेंस की अकाउंटिंग हैज ऑलरेडी बीन डन. राइट, आपको एडिशनली कुछ नहीं करना. ठीक है, आप जब कैलकुलेट भी करते हो वो जैसे पता है एक एरर हो गया था 5% से जब निकालते हैं तो वो 10,000 आता है. राइट, लेकिन अब जब आप सही वाली फिगर से 10% से निकालते हो 10% × 2,00,000 आपके पास अमाउंट भी सेम आती है. तो बात समझ में आ रही है, आपको एडिशनल कैलकुलेशन कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको ये टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि चलो डेबिट तो हो गया, इंटरेस्ट एक्सपेंस क्रेडिट क्या करें, कोई अक्रूड खड़ा करना है, क्या खड़ा करना है, जो होना था वो हो चुका है. राइट, क्वेश्चन साइलेंट है, उसने सिर्फ आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स के बारे में बता दिया कि इसकी ना पेमेंट हुई है ना रिकॉर्डिंग हुई है. ठीक है, अब हम देखते हैं कि जी आपने स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम फिर किस तरह से बनाना है. तो स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में सिर्फ एक मेजर जो गलती एक बच्चे की निकली थी वो यही थी, आप लोगों ने नेट प्रॉफिट तकरीबन सबने बिल्कुल ठीक निकाला विद द एक्सेप्शन ऑफ इंटरेस्ट वाला एलिमेंट. तो आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सीधा सीधा एसओसीएल में कोई एडजस्टमेंट की जरूरत ही नहीं थी, ग्रॉस प्रॉफिट तक तो सबने बिल्कुल ठीक ठीक किया हुआ. ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ले लिए, डेप्रिसिएशन ले लिया, और यहाँ पे मैंने क्या ले लिया, इंटरेस्ट एक्सपेंस. किसी एक बच्चे ने प्रीपेड एक्सपेंसेस को भी यहाँ पे शो किया हुआ है 60,000 जो आपके पास ट्रायल बैलेंस में गिवन है. तो प्रीपेड एक्सपेंसेस, अच्छा हाँ आपसे, तो प्रीपेड एक्सपेंसेस तो एसेट होता है. राइट, वो एक्सपेंस थोड़ी होता है. तो आपने क्या किया, यहाँ पे जैसे हुए तीन आइटम्स थे, नेट प्रॉफिट आपका निकल जाना चाहिए 1,57,000, और फिर उसकी बारी आती है अप्रोप्रिएशन की. जब हम अप्रोप्रिएशन की बात करते हैं तो सिर्फ नहीं बच्चे जवाब, कैश डिक्रीज फिर भी नहीं होगा, आपको कुछ भी नहीं करना है इसका. आप किसके बारे में बात कर रहे हो, इंटरेस्ट एक्सपेंस के बारे में बात कर रहे हो या प्रीपेड एक्सपेंसेस? नो, नहीं, प्रीपेड एक्सपेंस की डबल एंट्री क्या पास होती है, जरा बताओ. मैंने फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट की मैंने प्री पेमेंट कर दी, पेमेंट हुई है यानी कि कैश क्रेडिट. राइट, कैश या बैंक आपका क्रेडिट हुआ, डेबिट क्या होगा, प्री पेड एक्सपेंस का अकाउंट, एक्सपेंस अकाउंट नहीं, प्री पेड एक्सपेंस, प्री पेड इंश्योरेंस, प्री पेड इंटरेस्ट, प्री पेड व्हाटसोएवर, उसका अकाउंट डेबिट. और वो अकाउंट का नेचर क्या है, इट्स एन एसेट का अकाउंट, इट्स नॉट एन एक्सपेंस का अकाउंट. ठीक है, अच्छा आगे जाके एक सिर्फ एक एरर हुआ था, किसी एक बच्चे ने आसेस की जो कैलकुलेशन थी उसकी थोड़ी गलत कर दी थी. राइट, आसेस की उन्होंने दिखा दी थी कि भाई 1,80,000 के ऊपर ही शायद उन्होंने ये जो आसेस का बैलेंस आ रहा है 1,80,000 का, इसके ऊपर सीधा सीधा 5% यानी कि 9,000 उन्होंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल दिया था. ऐसा नहीं है. राइट, तो कैसा है फिर,
यहाँ पे क्या हिसाब होगा आपका? आपके पास जो कैपिटल अकाउंट है आसिफ का, वो बेसिकली, अच्छा चले कोई बात नहीं, मैं सिर्फ आसिफ का बता रही हूँ। वो बेसिकली ये है, ये जो 1,80,000 है ये आपका है कैरेट डाउन। क्यों? क्योंकि इसमें सारी अकाउंटिंग बिल्कुल प्रॉपरली हो चुकी हुई है। एडिशनल कैपिटल जो इन्वेस्ट हुआ हुआ है वो क्या डबल एंट्रीज की बनी थी? बैंक डेबिट 80,000 और कैपिटल अकाउंट क्रेडिट आसिफ का, राइट? यानी कि 80,000 से आपका ये क्रेडिट हुआ होगा, तो आपके पास ओपनिंग बैलेंस पे क्या है? 100,000। और सवाल में गिवन है आपने 100,000 पे 5% लगाना है। दैट क्लियर? इसमें कोई, आई होप, और किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, राइट? ये काम हो गया। फिर हमारा सही है। इसके अलावा आप लोगों ने बिल्कुल ठीक इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग सबने बिल्कुल ठीक निकाला था, उसको प्रोपोर्शनेट किया था, दैट वाज वेरी गुड। शेयर ऑफ लॉस फिर अकॉर्डिंगली 1:2:1 के रेशियो में, ठीक है। फिर हम आते हैं स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजिशन पे। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजिशन में भी किसी ने इतनी कोई खास गलती नहीं की थी। अच्छा, अब देखें, छोटी छोटी चीजें, उसका इतना ज्यादा शायद जिसके मार्क्स कोई एग्जामिनर एलोकेट ना करे, लेकिन मेरे लिए वो थोड़े इम्पोर्टेंट हो जाता है। क्या इम्पोर्टेंट है? अब देखिए, आप लोग अकाउंटिंग जो पढ़कर आए हैं इंट्रो से, आप लोगों को पता है कि स्टेटमेंट का एक पर्टिकुलर फॉर्मेट होता है और उसमें क्या क्या चीजें होती है, किस तरह से लिखना होता है। तो यू शुड स्टार्ट फॉलोइंग दैट। जो छोटी छोटी चीजें भी, उनको भी आपने दिमाग में रखना है, ठीक है? कोई पर्पज होता है उसका, कोई फायदा होता है उस फॉर्मेट का। तो होता क्या है, करंट एसेट्स में मैंने देखा था काफी बच्चों ने ऑर्डर मेंटेन नहीं किया था। स्टॉक और किस ऑर्डर में लिखते हैं हम करंट एसेट्स को? इन ऑन द ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी। आपको पता होना चाहिए कि स्टॉक सबसे ऊपर आया, फिर रिसीवेबल्स, फिर प्रीपेड एक्सपेंसेस, कैश एट बैंक और कैश इन हैंड सबसे नीचे। तो इवन दो अगर आप देखो किसी ने अगर नहीं किया होगा तो मैंने मार्क्स उसके काटे नहीं है, लेकिन फिर भी एक अच्छा इंप्रेशन नहीं पड़ता एग्जामिनर पे, ठीक है? फिर आप जब इक्विटी अकाउंट कराते हो तो सीधा सीधा क्या करना है, कैपिटल अकाउंट दिखाना है, करंट अकाउंट के बैलेंसेस दिखाने हैं। लोन फ्रॉम इमरान पूरा का पूरा 2 लाख ही रहेगा, यानी कि जो इंटरेस्ट की बात थी, जो 20,000 रुपीज का इंटरेस्ट था ऑन लोन, उसका फिर क्या हुआ, उसका आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो ट्रायल बैलेंस में आ रहा है पहले से इंटरेस्ट एक्सपेंस, और आपको अदर इन्फॉर्मेशन में कुछ नहीं बोला गया इंटरेस्ट एक्सपेंस के बारे में, राइट? तो आप लोगों को कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। उन्होंने क्या किया होगा, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट 20,000 और कैश क्रेडिट या बैंक क्रेडिट 20,000 वो ऑलरेडी कर चुके हैं, आपको एडजस्टमेंट नहीं दिखानी, ठीक है? तो ना ही आपने इंटरेस्ट को अक्रूड होते हुए दिखाना है इस क्वेश्चन में, राइट? क्योंकि ट्रायल बैलेंस में नहीं है अक्रूड इंटरेस्ट, और ना ही आपने अपनी तरफ से दोबारा से कैश और बैंक जो है वो कम कर देना है। बात समझ आ रही है सबको? फिर करंट अकाउंट कि वर्किंग दिखाना जरूरी है, उसके मार्क्स थे, ठीक है? तो भले आप उसको, क्योंकि एक क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट नहीं थी करंट अकाउंट बनाना, तो भले आप उसको टी अकाउंट में बनाते, भले सिंगल लाइन में बस वैसी सी सिर्फ फिगर्स लिख के वर्किंग दिखा देते, दोनों केसेस में आपको मार्क्स पूरे मिल रहे थे, ठीक है? तो मैंने क्या कर दिया, मैंने टी अकाउंट बना दिया है, जिसने टी अकाउंट बनाया हो, सही है? सो दिस इज इट। कोई सवाल है जो उसमें छोटे बहुत बहुत नोट्स थे वो भी मैंने लिख दिए हैं, कि कोई अगर अपने आप को सेल्फ चेक कर रहा था तो उसको यहाँ से पता लग जाए, ठीक है? तो आई होप इसमें और कोई क्वेश्चन रहता नहीं है। अच्छा, हमें अब किसने ज्वाइन किया है, हमीदुल्ला, हसनैन और उस्मान। हम पार्टनरशिप क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे, आप तीनों के मुझे किसी के भी जो है रिस्पॉन्सेस नहीं मिले, ठीक है? तो दिस इज नॉट गुड, अच्छी बात नहीं आई है, सही है? तो नेक्स्ट टाइम से मुझे आप लोगों की पार्टिसिपेशन की सख्त जरूरत होगी, वरना तो ये कि मैं प्राइवेटली सबको ईमेल कर दिया करूंगी, ठीक है? जो लोग इंटरेस्टेड हैं उन्हीं को भी मैं मैसेज कर दिया करूंगी क्वेश्चन। अच्छा जी, तो हम लोग नहीं, अभी स्टार्ट करना था क्वेश्चन नंबर इंटरनेट। अच्छा चले ठीक है, कोई बात नहीं हसनैन, अगर आपने क्वेश्चन, अगर आपने टेस्ट अभी तक अटेम्प्ट नहीं किया, आप आराम से अटेम्प्ट करके मुझे भेज सकते हैं, ठीक है? मैं देती हूँ 24 आवर्स का टाइम, लेकिन वो फिर मैं अपनी उसके लिए देती हूँ कि मेरे पास और भी क्लासेस हैं, तो मुश्किल हो जाता है फिर चेक करना, ठीक है? लेकिन यू हैव टाइम। अच्छा जी, हम लोगों ने स्टार्ट किया था M16। हमने मंडे को, जो मंडे का जो लेक्चर था वो इंशाल्लाह अभी आप लोगों को अपलोड हो जाएगा। जिन्होंने मंडे की क्लास अटेंड नहीं की थी
अभी क्लास के बाद इंशाल्लाह आप लोगों की रिकॉर्डिंग जो है वो अपलोड हो जाएगी। वो मैंने घर से क्लास ली थी, इस वजह से मैं अभी जाहिद को दूंगी, तो जाहिद अभी अपलोड कर देंगे। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा जिन्होंने क्लास अटेंड नहीं की थी उनके बेनिफिट के लिए मैं थोड़ा सा रिकैप कर दूं। हम लोग अभी स्टार्ट करने जा रहे हैं, अभी हमारा जितना भी हुआ था वो सारा बेसिक अकाउंटिंग जो थी पार्टनरशिप की वो अब हमारा हो गया क्लोज। अभी हम आए हैं थोड़ा एडवांस पार्टनरशिप अकाउंटिंग के अंदर, जिसके अंदर हमने क्या पढ़ना है, जिसमें हमने पढ़ना है चेंजेस इन पार्टनरशिप स्ट्रक्चर। और इस स्ट्रक्चर से मुराद ये कि पार्टनर्स में कोई कमी बेशी हो जाए, राइट, कोई एडमिशन हो जाए किसी पार्टनर का, या फर्म ही डिसॉल्व हो जाए, या फर्म जो है वो किसी दूसरे बिजनेस के साथ मर्ज हो जाए, या फिर दूसरा बिजनेस उस फर्म को टेक ओवर या अक्वायर कर ले, राइट। तो हमारा जो सबसे पहला सिनेरियो है जिससे हम स्टार्ट करेंगे वो है एडमिशन का, एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। अब एक काम ये करें, क्योंकि आज हम सवाल स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो पहले आप थोड़े से स्टेप्स जरा अपने पास ये लिख लें। और ये स्टेप्स ऐसे हैं, ये हमारे तकरीबन हर क्वेश्चन के अंदर यही स्टेप हमारे काम आएंगे, स्टेप बनाने का की आसानी होगी कि आप लोगों को ये कि कोई अगर टेढ़ा सवाल भी आया तो आप एटलीस्ट, मैं आपको भी समझाऊंगी ये कि हर स्टेप जो है ना वो एक इंडिविजुअल प्रोसेस है आपका, आपको आसानी ये रहेगी कि चले आप एटलीस्ट अगर पूरे मार्क्स गेन नहीं कर सके तो एटलीस्ट थोड़े बहुत तो आप मार्क्स जरूर गेन कर लेंगे, क्योंकि आप कुछ ना कुछ उस क्वेश्चन में अटेम्प्ट कर सकेंगे। ठीक है, स्टेप नंबर वन, कैलकुलेट न्यू PSR, PSR यानी के प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो। ये आपका स्टेप नंबर वन। स्टेप नंबर टू पे हमारे पास गुडविल की वैल्यूएशन, गुडविल की ट्रीटमेंट, गुडविल की अकाउंटिंग आ जाएगी। ठीक है, ये नोट करना है सबने। ठीक है, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स, लाइबिलिटीज एंड प्रोविजंस। किसी को समझ में नहीं आ रहा, टेंशन ना लें, सवाल देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। स्टेप नंबर फोर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिजर्व्स। ये थोड़ा लंबा है, ठीक है, इसको मैंने एक ही स्टेप में बना दिया। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिजर्व, एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट एरर, ट्रांसफर ऑफ करंट अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट। इसको मैंने, क्योंकि जरूरी नहीं है कि सारे सिनेरियोज एक किसी क्वेश्चन में अवेलेबल हो, मतलब आपके सिनेरियो पे सिनेरियो डिफर करता है, तो स्टेप नंबर फोर के अंदर ये कुछ एडिशनल चीजें हैं जिनको हम इस स्टेप में फिर ट्रीट कर लेंगे। ठीक है, और फिर आपके पास स्टेप नंबर फाइव है, ठीक है, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। तो पांच आपके पास ये जनरल स्टेप्स हैं, अपने पास ये नोट कर लें और इंशाल्लाह प्रैक्टिस करते हुए ये सारी चीजें आपको याद हो जाएंगी। पहले स्टेप पे हम क्या करेंगे, नया प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो निकालेंगे। क्यों? क्योंकि आपके पास एक नया पार्टनर आया है,
तो पहले अगर फॉर एग्जाम्पल चार पार्टनर्स थे तो अभी आपके पांच पार्टनर्स के दरमियान आपका वो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो नेचुरली सी बात है आपका रेशियो भी चेंज होंगे। स्टेप नंबर टू पे हम गुडविल को टैकल करेंगे। स्टेप नंबर थ्री में आपके पास हमेशा ये नहीं है, क्या है ये किस्म का आप समझना है कि ये काम आपको करना ही करना है जैसे कोई चेंज इन पार्टनरशिप स्ट्रक्चर आए। आपने गुडविल से रिलेटेड काम करना है, आपने रीवैल्यूएशन करनी है एसेट्स एंड लाइबिलिटीज की, एसेट्स की स्पेलिंग थोड़ी गलत हो गई, ठीक है। आपने रीवैल्यूएशन आपको हमेशा तकरीबन नजर आएगा, एटलीस्ट ये एक्टिविटी कंडक्ट करनी है आपको। स्टेप नंबर फोर डिपेंड करता है सिनेरियो पे, कभी होगा कभी नहीं होगा। और स्टेप नंबर फाइव कैपिटल अकाउंट के अंदर भी हम देखेंगे कि क्या क्या एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड है। चलें जी क्वेश्चन पे, सबने कर लिया नोट ये जी? ठीक, तो आपके पास N16 ये कहता है, दोबारा से इसको पढ़ लेते हैं। WX and Y आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 3:2:1, यानी कि 3/6, 2/6 और 1/6। The statement of financial position as at 31st December 2013 is given below. और इसमें आपको नॉन करंट एसेट्स नजर आ रहे हैं, करंट एसेट्स नजर आ रहे हैं, आपको यहाँ पे कैपिटल अकाउंट नजर आ रहे हैं, रिजर्व नाम की एक चीज नजर आ रही है, लाइबिलिटीज हैं, ट्रेड पेबल्स हैं, फूड एक्सपेंसेस हैं, और SOSP में आपको नजर आ रहा है कि सिर्फ कैपिटल अकाउंट है, कोई करंट अकाउंट नाम की चीज नहीं है। इसका मतलब है कि जो बिजनेस है ये आपका फॉलो करता है कौन सी अकाउंटिंग मेथड, कैपिटल अकाउंट, कैपिटल से रिलेटेड आपका फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट, राइट। फिर आपके पास अदर इंफॉर्मेशन वो क्या कह रहा है कि अगले दिन यानी कि 1st जनवरी 2014 से क्या हो रहा है, Z is to be admitted as a partner, right? On the following terms, Z will bring in ₹90,000 as capital and ₹72,000 as premium for goodwill. क्या होगा दोबारा बता देती हूँ। Z will be entitled to 1/6 share in the profits of the firm. ठीक है जी, जैसी बात है पता होना चाहिए कि Z को कितना भी रेशो मिलेगा, शेयर मिलेगा। फिर बात होती है कि जी एसेट्स विल बी रीवैल्यूड एज लैंड एंड बिल्डिंग इतना, फर्नीचर इतना, इन्वेंट्री इतना, रिसीवेबल्स इतना। क्या है स्टेप जैसे करेंगे मैं साथ साथ समझाती रहूंगी। द क्लेम ऑफ अ ट्रेड पेबल फॉर ₹13,800 इज पेड एट ₹12,000। ये क्या लग रहा है, ये क्या कह रहा है कि एक ट्रेड पेबल था, अमाउंट हमें पे करनी थी 13,800 की, और उसको हमने सेटल कर दिया बाय पेइंग हाउ मच, 12,000। तो ये क्या लग रहा है, डिस्काउंट रिसीव्ड है 1800 का, तो इसकी क्या ट्रीटमेंट है, ठीक है। हाफ ऑफ द रिजर्व टू बी विड्रॉन बाय द पार्टनर्स। रिजर्व क्या होते हैं वो भी मैं समझा देती हूँ। पार्टनर्स हैव डिसाइडेड टू राइट ऑफ द गुडविल फ्रॉम द बुक्स, ठीक है। तो हम मैं पूरा क्वेश्चन दोबारा से एक्सप्लेन नहीं करती, हम स्टेप्स पे स्टार्ट कर देते हैं और जैसे जैसे स्टेप आता रहेगा हम फिर इस क्वेश्चन इसमें चीजों को मैं आपको समझाती रहूंगी, ठीक है। ये आपके पास है क्वेश्चन नंबर M16। अच्छा जी, स्टेप नंबर वन आपका क्या है, यू हैव टू कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो। अच्छा, अब कैसे इसको करना है, एडमिशन होने से बिल्कुल पहले क्या था, किस रेशियो में पार्टनर्स जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे अपना प्रॉफिट एंड लॉस, ये आपको क्वेश्चन में गिवन है। सबसे पहले लाइन में 3:2:1, तो आप क्या करें, WXY को इस तरह से हम लिख देते हैं WX और Y 3/6, 2/6, 1/6, राइट। अब क्या होता है, एक नए पार्टनर आ रहे हैं Z, तो अब क्या होगा, अब आपके प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो तो चेंज होंगे, राइट। और जब हम एडिशनल इंफॉर्मेशन में देखते हैं तो हमें इन्होंने क्या दिया हुआ है, Z की एंटाइटलमेंट दे दी है 1/6, यानी कि Z का जो बिजनेस में हिस्सा है वो कितना है, 1/6 है। तो ठीक है, हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, 1/6। अब बाकियों का फिर क्या होगा, क्या यही हम लिख देंगे 3/6, 2/6, 1/6? नहीं, वो हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि इस रेशियो का सारा आंसर मिला के क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पे 3/6 लिख दू, 2/6 लिख दू, 1/6 लिख दू, और जब इनको टोटल करते हैं तो वो 1 से ज्यादा आ रहा है, राइट। तो इसका मतलब ये है कि वही रेशियोज तो नहीं होने वाले। और क्यों नहीं होने वाले, थोड़ा लॉजिकली भी देखें, पहले प्रॉफिट
जो है वो तीन लोगों में डिवाइड होता था, अगर वही इस साल दोबारा प्रॉफिट कमाता है बिजनेस, लेकिन अब वो प्रॉफिट जाएगा कितने लोगों में, चार लोगों में, तो नेचुरली सी बात है डब्ल्यू एक्स और वाई का हिसाब हो गया कम। तो अब डब्ल्यू एक्स और वाई की कैसी कैलकुलेशन करेंगे, इसको जरा आप यहाँ पे देखें, जी को जो हिस्सा जाना है वो कितना जाना है, 1/6। तो इसका क्या मतलब है, जो रिमेनिंग हिस्सा है क्या है, 5/6, वो जाएगा कितना, वो पुराने पार्टनर्स को। इज दैट क्लियर? ये बात तो हमें समझ में आ गई कि हमने पूरे प्रॉफिट के दो हिस्से बना लिए पूरे बिजनेस के। एक हिस्सा जो है 1/6, वो हमें क्वेश्चन में एक्सप्लिसिटली गिवन है कि वो जी का है। तो रिमेनिंग जो हिस्से हैं 5/6 के, वो हमें ये पता है कि कलेक्टिवली वो डब्ल्यू एक्स और वाई के हैं। तो अब तो हमें इंडिविजुअली चाहिए होता है, राइट? तो अब हम क्या करेंगे, हम क्या कहेंगे कि ये जो अब हिस्सा है टोटल, ये किस रेशियो में इन तीनों में डिवाइड होगा, 3:2:1, यानी कि हम क्या करेंगे, 3/6 मल्टीप्लाइड बाय 5/6, 2/6 मल्टीप्लाइड बाय 5/6 और 1/6 मल्टीप्लाइड बाय 5/6। जल्दी से कैलकुलेट करें, फ्रैक्शन में ही मुझे जवाब दें कितना आ रहा है। फाइव बाय सिक्स कैसे आया, 5/6 ऐसे आया, इधर देख लें, फॉर एग्जाम्पल बिजनेस प्रॉफिट कमाता है 1 रुपए का, ठीक है, 1 रुपए प्रॉफिट है। सवाल में वो क्या कह रहा है कि जो नई पार्टनरशिप फर्म है कौन सी, डब्ल्यू एक्स वाई जी, चेंज इन पार्टनरशिप स्ट्रक्चर आया, यानी कि पार्टनरशिप फर्म अब एक नई आ गई वजूद में, राइट? न्यू पार्टनरशिप फर्म आ गई। तो जो नई पार्टनरशिप फर्म है उसमें जी का कितना हिस्सा है, 1/6, यानी कि जी को इस 1 रुपए में से कितने मिलेंगे, राइट? ये बात होगी क्लियर, 0.67 है या 0.33 है, नहीं 0.67 नहीं हो सकता, इधर कैलकुलेट करें कितना आ रहा है, ठीक है 5/12, 5 चले, मैं इसको भी देखती हूँ, मैं जरा हमीदुल्ला को थोड़ा एक्सप्लेन कर दू, 0.16, ठीक है, ठीक है, ये आपके पास आ गया। अब इसका क्या मतलब है, अब सवाल में हमें इन्होंने क्या दिया है कि नई पार्टनरशिप फर्म में उन्होंने हमें सिर्फ वी का रेशियो बताया है, बाकी डब्ल्यू एक्स और वाई का हमें रेशियो बताया ही नहीं है। जो हमें गिवन है 3:2:1, वो तो ओल्ड पार्टनरशिप का है ना, वो ओल्ड पीएसआर है, तो अभी तो हमारी पार्टनरशिप फॉर्म ही चेंज हो गई। तो अब इसका क्या मतलब हुआ कि 1 रुपए में से 0.167 तो चला गया जी के पास, तो जो रिमेनिंग अमाउंट है कितनी बन रही है, 0.8333। जो ये अमाउंट है ये अब किसको मिलेगी, ये मिलेगी डब्ल्यू को, एक्स को और वाई को। लेकिन अब मसला क्या है, हमें डब्ल्यू एक्स और वाई के इंडिविजुअल अमाउंट नहीं पता, क्यों, क्योंकि हमें उनकी नई पार्टनरशिप फर्म के अंदर जो रेशियो है वही हमें नहीं पता। लेकिन एक तरीका है फाइंड आउट करने का, अब अगर आप इसको ये देखो तो ये क्या है, इस प्रॉफिट में से 1/6 मैंने निकाल दिया तो कितना बचा, ये जो आपके पास रिजल्टेंट आंसर आ रहा है ये कितना रेशियो रिप्रेजेंट करता है, 5/6 को। तो समझ आ रही है बात, ठीक है? तो 1/1 में से अगर मैं 1/6 माइनस कर दूं तो ये कितने हिस्सों के बराबर है, 0.833, 5/6, आप खुद कैलकुलेट भी कर लो, 5/6 करोगे तो आंसर 0.833 ही आता है, ठीक है? तो इसका क्या मतलब हुआ कि जी की इंटाइटल्ड है, इंटाइटलमेंट है 1/6, और बाकी जो है डब्ल्यू एक्स और वाई उनको कलेक्टिवली मिलना है 5/6 प्रॉफिट, राइट? तो अब हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए अब उनके इंडिविजुअल रेशियोज चाहिए, कलेक्टिव रेशियो तो हमें पता लग गया। बात क्लियर है हमीदुल्ला, ठीक है, बात क्लियर हुई, कलेक्टिव रेशियो तो हमें उनका पता लग गया, लेकिन अब अभी हमें उनका क्या पता कराना है, इंडिविजुअल उनका रेशियो क्या है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अब हमने क्या इस्तेमाल करना है, हमने ये कहना है कि अब जो 5/6 का जो प्रॉफिट है वो डब्ल्यू एक्स और वाई, ये डिसाइड किया उन्होंने कि हमने इस अब रिमेनिंग प्रॉफिट को अपने पुराने पीएसआर में ही डिवाइड करना है, ठीक
ठीक है, यानी कि 3:2:1 के रेशो में। तो ये इंफॉर्मेशन हम इस्तेमाल करेंगे इनका नया प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो निकालने के लिए, जो कि आपके पास आएगा ये 5/36। ठीक है, 5/36 सही है। ठीक है, जब आप इन चारों फ्रैक्शंस को ऐड करेंगे ना, 5/12, 5/18, 5/36 फ्रैक्शन की फॉर्म में, तो आपका और 1/6, तो आपका आंसर आना चाहिए 1, क्योंकि रेशियो है। ठीक है, 5/12 प्लस 5/18 प्लस 5/36 प्लस 1/6, ये आंसर आना चाहिए 1। द टोटल ऑफ ऑल द रेशियोज एट एनी टाइम शुड इक्वल 1। बात क्लियर है? तो आपने स्टेप नंबर 1 में क्या किया, ओल्ड पीएसआर था 3:2:1, 3/6, 2/6, 1/6, और आपने न्यू पीएसआर भी निकाल लिया 5/12, 5/18 और 5/36 और 1/6। ठीक है, क्लियर है बात? स्टेप नंबर 1 टिक, राइट। अब हम आते हैं स्टेप नंबर 2 पे, गुडविल। अब गुडविल की अकाउंटिंग करने से पहले ये थोड़े जनरल सी बात है, जनरल लेक्चर के नोट्स हैं, वो आप जरा नोट कर लें। गुडविल की ट्रीटमेंट बेसिकली किसी भी सवाल में आपको दी हुई होगी, ये दो ट्रीटमेंट्स हैं गुडविल की। ठीक है, और होगा किसी भी सवाल में या तो आपको ये कहा जाएगा, ये वर्डिंग इस्तेमाल हो रही होंगी, गुडविल रिटेन्ड इन द बुक्स या गुडविल नॉट रिटेन्ड इन द बुक्स या गुडविल इज टू बी रिटन ऑफ। ठीक है, अब ये होगा क्या, होता क्या है, ये आपको इंशाल्लाह सवाल करते हुए जो है वो समझ में आ जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है, करना क्या है, दोनों सिनेरियोस में थोड़े से अकाउंटिंग आपकी थोड़ी सी डिफरेंट होती है। मैंने आपको ये बता दिया है कि आपके पास जैसे ही चेंज इन पार्टनरशिप स्ट्रक्चर हो, आपको गुडविल की कैलकुलेशन करना, गुडविल की वैल्यूएशन करना, गुडविल की एक अमाउंट निकालना हो जाता है मस्ट। अब रीजन क्या है, एडमिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लेते हैं। मेरा फॉर एग्जाम्पल, मैं और मेरी एक दो और फ्रेंड, ठीक है, हम लोग का कोई पार्टनरशिप बिजनेस है, फॉर एग्जाम्पल हम तीन लोग हैं उसमें। अब हमारी एक चौथी फ्रेंड, शी वॉन्ट्स टू बिकम अ पार्ट ऑफ आर बिजनेस एज वेल। अब हम तीनों तो कितने सालों से बिजनेस चला रहे हैं, हमारी क्या है, एक गुडविल है मार्केट के अंदर, एक अच्छी रेपुटेशन है, और उस अच्छी रेपुटेशन की वजह से हम प्रॉफिट भी ज्यादा कमाने की पोजिशन में, राइट। हम जितनी भी प्राइस, थोड़ी ज्यादा प्राइस भी चार्ज करें अपने कंपेटिटर से, तो हमारे कस्टमर्स उस प्राइस को पे करने के तैयार हैं, क्योंकि उनको पता है कि हमारी क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट इज बेटर देन आवर कॉम्पिटिटर्स, राइट। अब जब कोई एक नया बंदा आ रहा है, आपने बिल्कुल ही एक बिजनेस माइंडेड प्रोफेशनल की तरह सोचना है कि अगर आपका एक अच्छा भला चलता फिरता कारोबार है जिसमें आपकी मेहनत शामिल है, एंड समबडी एल्स वॉन्ट्स टू बिकम अ पार्टनर ऑफ दैट, आप क्या कहेंगे, हम तो इससे पैसे चार्ज करेंगे, राइट। हम इसको कहेंगे कि पहले तो भाई आपने, आपको पता है कि भाई ओनर बनने के लिए कैपिटल लाना तो लाजमी है, वो तो हो गई, वो तो साइड पे आप रख दें। जब तक आप कैपिटल इन्वेस्ट नहीं करोगे आप तब तक ओनर नहीं बन सकते, राइट, पार्टनर नहीं बन सकते। लेकिन उस कैपिटल के अलावा भी मुझे क्या लेना है, उस नए बंदे से पैसे लेने हैं इन टर्म्स ऑफ, इन लियू ऑफ व्हाट, गुडविल, कि जो तुम एक ऑलरेडी एक सक्सेसफुल बिजनेस का पार्ट बनने जा रहे हो, तुम्हें वो नया बिजनेस स्टार्ट करने का जो रिस्क होता है और जो मेहनत चाहिए होती है, वो देखो, वो नया पार्टनर उसको करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, राइट, उसको चलता फिरता फिरता ही बिजनेस में नहीं रहा, राइट। तो हमने क्या करना है, पुराने पार्टनर्स ने ये कहना है कि हमने, यानी कि बिजनेस ने, एक तो उससे कैपिटल की के पैसे लेने और दूसरे किसके पैसे लेने, गुडविल के पैसे लेने। तो आप जरा सवाल पे आए, दोबारा सवाल में क्या कह रहा है,
जो नया पार्टनर पैसा लेकर आता है गुडविल के लिए, उसको कहते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल। ठीक है, अगर फॉर एग्जाम्पल ये बिजनेस होता नया नवेला, ठीक है, और इसमें कोई अच्छी रेपुटेशन ना होती, अभी तक कोई रेपुटेशन बिल्डअप ही नहीं होती, तो वो कितना पैसा लेकर आता? सिर्फ 90,000। तो वो क्या लेकर आ रहा है? वो बेसिकली कितने पैसे लेकर आ रहा है? वो ला रहा है 1,62,000 रुपीज लेकर आ रहा है इन कैश। ठीक है, जी जो है वो टोटल कितने पैसे लेकर आ रहा है? 1,62,000। ओनर बनने के लिए उसको सिर्फ कितने रुपए चाहिए थे? 90,000। लेकिन जो एडिशनल 72,000 है, प्रीमियम का क्या मतलब होता है? ओवर एंड अबव, राइट? जो उस 90,000 से ओवर एंड अबव उसको पैसे पे करने पड़ गए हैं टू बिकम अ पार्ट ऑफ दिस बिजनेस, वो किस लिए करने पड़ गए? बिकॉज ऑफ द गुडविल, बिकॉज ऑफ द गुड रेप्यूटेशन। तो इतनी बात तो हमें समझ में आ गई, ये सब आप अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए नोट कर लें। क्वेश्चन में गिवन है ना, हम ये कहेंगे कि जो जी का हिस्सा बनता है एक अच्छी रेप्यूटेशन के अंदर, अच्छी गुडविल के अंदर, वो कितना है? 72,000। इसीलिए हम उससे कितने पैसे बोल रहे हैं लाने के लिए? 72,000। क्वेश्चन में उन्होंने आपको शेयर ऑफ गुडविल जी का दे दिया है। बात समझ में आ रही है? इतनी बात क्लियर है? ठीक है, अच्छा। अब जी का जो टीएसआर है, प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो है, यानी कि जी का बिजनेस में शेयर, हर चीज में शेयर कितना है? 1/6, राइट? ये जो अमाउंट है ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ये सिर्फ जी का हिस्सा है टोटल गुडविल के अंदर। अब फर्म की जो गुडविल है वो तो एक अलग ही अमाउंट है, राइट? अब हमें क्या निकालना है? ये बात आपने याद रखना है कि आपको निकालनी है टोटल गुडविल ऑफ द फर्म, अगर वो क्वेश्चन में ना गिवन हो। आपको सवाल में टोटल गुडविल नहीं दी गई, आपको सिर्फ क्या दिया गया है? जी का शेयर जो बनता है उस टोटल गुडविल में। ठीक है, अब वो आपको निकालनी है। कैसे निकालेंगे? आप चाहे तो वर्क बैक कर सकते हैं। कैसे करेंगे कि भाई अगर हमारे पास टोटल गुडविल दी हुई होती तो हम क्या करते? उसको 1/6 करते तो हमारे पास आंसर कितना आ जाता? 72,000, जो कि क्या होता? जी का शेयर। ठीक है, अगर हमें जी का शेयर निकालना पड़ता दूसरे तरीके से तो हम ये वाला फॉर्मूला निकाल करते। अब इसमें क्या है? इन्होंने आपको जी का शेयर दे दिया हुआ है, जी का रेशियो दे दिया हुआ है, टोटल गुडविल इज अननोन, तो यू कैन कैलकुलेट टोटल गुडविल, राइट? तो पहले स्टेप पे आपने क्या निकालना है? टोटल गुडविल आपके पास आ जाएगी 72,000 मल्टीप्लाइड बाय 6। वेरी गुड, तो कितना आ रहा है? 5 जी, कितनी आ रही है टोटल गुडविल? 4,32,000। ठीक है, अब आपने इसको यूज करते हुए डबल एंट्रीज पास करनी है। अब हम आते हैं, अब आपके पास सवाल आएगा ये। चलो, स्टेप नंबर 1 में गुडविल के लिए हमने पहला काम तो ये कर लिया कि हमने टोटल गुडविल की एक अमाउंट निकाली, फर्म की गुडविल हमें निकालनी है, किसी एक पार्टनर की गुडविल से हमारा कोई काम नहीं करना, हमें अकाउंटिंग नहीं करनी। दूसरा सवाल आपके पास आ जाता है कि शो इज द गुडविल टू बी रिटेन इन द बुक्स, या गुडविल को आपने रिटेन नहीं करना और राइट ऑफ कर देना। ठीक है, अब जरा आप इधर आ जाएं। सवाल के अंदर आपको नॉर्मली गिवन होता है कि गुडविल की क्या ट्रीटमेंट करनी है। आप देखें इस तरह से करें, समझने के लिए इस तरह से कर ले कि आपका 1 जनवरी है, ठीक है, और अभी कमरे में, ऑफिस में बैठे हुए सिर्फ और सिर्फ पुराने पार्टनर, समझने के लिए सिर्फ, ठीक है, थोड़ी स्टोरी सी बना के करते हैं ताकि आसानी रहे। अब क्या होता है, अब डब्ल्यू एक्स और वाई, उनको ये पता है कि अब हमारा क्या हो रहा है, पार्टनरशिप स्ट्रक्चर में चेंज आ रहा है, और जैसे ही पार्टनरशिप स्ट्रक्चर में चेंज आता है हमने गुडविल की वैल्यूएशन करनी है और गुडविल की रिकॉर्डिंग कर देनी है। आप जब कैलकुलेट कर रहे हो 4,32,000, तो उसको एवी तो नहीं करना ना, यानी कि डबल एंट्री पास करनी है। अभी याद रखिएगा, कमरे में कौन कौन है? पुराने पार्टनर्स डब्ल्यू एक्स और वाई, ठीक है, नया पार्टनर अभी तक आया नहीं है ऑफिस में। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने गुडविल की कैलकुलेशन की टोटल, जो कि बनती है 4,32,000, और इन्होंने क्या कर देना है,
डबल एंट्री पहली पास कर देनी है क्या गुडविल की रिकॉर्डिंग। गुडविल क्या है आपका? एसेट है, ठीक है। तो जब गुडविल आप रिकॉर्ड करोगे पहली दफा, राइट, इससे पहले आपने कभी गुडविल नहीं रिकॉर्ड की, तो गुडविल हमेशा क्या होगा? डेबिट होगा 4,32,000 से। ये तो आपका डबल एंट्री का पहला पार्ट हो गया। अब क्रेडिट क्या होगा? क्रेडिट आपका हमेशा होगा पार्टनर्स करंट अकाउंट, ठीक है। अब पार्टनर्स कितने हैं आपके पास? W, X और Y, ठीक है, पुराने। अभी ऑफिस में कितने बैठे हुए? सिर्फ 3 बैठे हुए, ठीक है। अब इसको समझने के लिए इस तरह से भी सोच लें, चले पहले डबल एंट्री कंप्लीट कर लें, ठीक है। तो आपने क्या करना है, पुराने पार्टनर W, X और Y के दरमियान इस फिगर को आपने डिवाइड कर देना है ओल्ड प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो के अंदर, ठीक है। तो इसकी जो जनरल एंट्री है वो कुछ इस तरह से होती है कि आपने टोटल गुडविल ऑफ द फर्म की फिगर निकाली और ओल्ड पार्टनर्स को इन्होंने कर दिया क्रेडिट। बात समझ में आ रही है? ओल्ड प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो में, यानी कि जो पहली अब डबल एंट्री पास होगी वो होगा गुडविल 4,32,000 पार्टनर्स करंट अकाउंट, जरा बताएं, एक्स वाई और जी, 3/6, 2/6 और 1/6 में इस पूरी फिगर को जरा डिवाइड करें 4,32,000 को। इसका फिर मैं आपको कॉन्सेप्ट ही समझाती हूँ। टू 16, 144 एंड 72, राइट। जी यही आ रहा है ना, 4,32,000 को हमने क्या कर दिया, 3/6, 2/6 और 1/6 में डिवाइड कर दिया और इस तरह से आपकी डबल एंट्री हो गई बैलेंस। देखें क्या है गुडविल, क्या होता है गुडविल, होता है अब जैसी ऐसी बात है, आपके पुराने पार्टनर्स ने सारा काम किया था ना, डब्ल्यू एक्स और वाई, तो पुराने पार्टनर्स की मेहनत की वजह से जो अच्छी रेपुटेशन बनी, जो गुडविल हुआ, यानी कि वो किस वजह से हुआ है, वो पुराने पार्टनर्स की अपनी मेहनत थी, उसमें नए पार्टनर का कोई हाथ नहीं था, राइट। अब जरा आप मुझे सोच के बनाए, जरा डब्ल्यू एक्स वाई, सॉरी, ओ क्या, थैंक यू सो मच, डब्ल्यू एक्स वाई है, W, X एंड Y, ठीक है। अब जरा मुझे जरा देख के बताएं, करंट अकाउंट में हमेशा वो चीजें क्रेडिट होती हैं, ये जरा बात और से सुनिएगा, करंट अकाउंट में हमेशा वो चीजें क्रेडिट होती हैं जो कि पार्टनर को बेनिफिट देती हैं, जैसे शेयर ऑफ प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, राइट, ये सारी चीजें क्या है, सैलरी, राइट, ये तीनों चीजें क्या है, ये वो चीजें हैं जिनकी वजह से पार्टनर को कोई बेनिफिट मिल रहा है। अब ये जो गुडविल है, हम ये कह सकते हैं ना कि गुडविल क्योंकि पुराने पार्टनर्स की मेहनत की वजह से अराइज हुआ, इसका मतलब ये हुआ, इसको हम इतना पैसा हम पार्टनर्स को एलोकेट कर देते हैं कि ये जी ये ले आपका एडिशनल पैसा, डब्ल्यू को बोलेंगे कि आप कुछ, आप जी 2,16,000 आपका एंटाइटलमेंट बनता है, एक्स का एंटाइटलमेंट है 1,44,000, ये क्या है, हम पार्टनर्स को ये एक्नॉलेज कर रहे हैं, हम उनको ये किसी का बेनिफिट दे रहे हैं कि जी आपने जो गुडविल, आपने इतना अच्छा मेहनत किया था ना, इतना अच्छा काम किया था, ये ले उसके 2,16,000, ये ले उसके 1,44,000। तो बात समझ में आ रही है? तो करंट अकाउंट आपका क्या हो रहा है, फिर क्रेडिट हो रहा है, बिकॉज दिस इज अ बेनिफिट, दिस इज, ये एक अच्छी बात है, पार्टनर खुश हो जाएगा कि यार अच्छा, इसका मतलब है मैं और पैसे विड्रॉ कर सकता हूँ बिजनेस में से, राइट, मेरी और एंटाइटलमेंट बन गई, इज दैट क्लियर। तो पहले स्टेप पे आपने क्या कर दिया, गुडविल को रेज कर दिया और आपने उसका बेनिफिट दे दिया पुराने पार्टनर्स को, पुराने पार्टनर्स की मेहनत थी, ये बात क्लियर हो गई। अब सवाल में क्या लिखा हुआ है, पार्टनर्स हैव डिसाइडेड टू राइट ऑफ द गुडविल फ्रॉम द बुक्स। अब इसको इस तरह से समझें, जैसे ही पुराने पार्टनर्स ने ये डबल एंट्री पास की ना, ये वाली जो भी हमने रिकॉर्ड किया, उसी टाइम पे पार्टनर्स भी आ गया कमरे में, ठीक है। अब वो क्या है, अब वो भी एक ओनर है, अब उसकी बात भी सुनी जानी चाहिए। उसने कहा ठीक है, जो आपने एंट्री पास कर दी, लेकिन अब गुडविल बुक्स में नहीं रहेगी,
जो आपने गुडविल को रिकग्नाइज कर दिया हुआ है बुक्स में, अब आप उसको क्या करें, निकाल दें बुक्स में से। ये देखें जो डेबिट हुआ है ना, यानी कि गुडविल के टी अकाउंट में बैलेंस अब जीरो आना चाहिए। इस स्टेप पे तो गुडविल के अकाउंट में बैलेंस आ रहा है ना 4,32,000। तो इसका क्या मतलब हुआ कि अगर सवाल में आपको ये मेंशन हो कि गुडविल इज नॉट टू बी रिटेन्ड इन द बुक्स या गुडविल इज टू बी रिटन ऑफ फ्रॉम द बुक्स, का मतलब क्या हुआ, पहले स्टेप पे आपने इसकी रिकॉर्डिंग तो लाजमी करनी है और दूसरे स्टेप पे राइट ऑफ करने की डबल एंट्री पास कर देनी है। अब आपको पता है एसेट क्रिएट होता है तो डेबिट, एसेट खत्म करना हो तो क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे। यानी के गुडविल के अकाउंट को हमने क्रेडिट कर देना है 4,32,000 से, उसी अमाउंट से। अब आपके गुडविल के टी अकाउंट में बैलेंस कैरेट डाउन हो जाएगा जीरो, राइट। तो अब डेबिट क्या करेंगे, डेबिट भी अभी आपने क्या करना है, पार्टनर्स करंट अकाउंट को ही डेबिट करना है। लेकिन अब क्या होंगे, डब्ल्यू एक्स वाई जी, अब जो डेबिट होगा वो होगा न्यू प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो में, ठीक है। और न्यू पीएसआर आपने क्या किया था, पहले स्टेप में ही पहले से कैलकुलेट, बिल्कुल हमेशा न्यू से करना है। ये स्टैंडर्ड डबल एंट्रीज है, 5/12, 5/18, 5/36 और 1/6। जरा जल्दी से डिवाइड करें इसको, 5/12, 5/18, 5/36। इस पूरी फिगर को 4,32,000 को इस रेशियो पे डिवाइड करके डेबिट कर देना है उनके करंट अकाउंट्स को, यानी के 180, 120, 60 और 72। यहाँ पे पेज खत्म हो गया, इससे थोड़ा सा क्लस्टर्ड नजर आ रहा होगा आपको, ठीक है। कर लिया नोट सबने, 1,80,000, 1,20,000, 60,000 और 72,000 से अब आपके पार्टनर्स करंट अकाउंट हो जाएंगे डेबिट। इज दैट क्लियर? और ये जरा आप नोट करें, यहां पे जो आपका फिगर निकली है 72,000 जी की, इट्स एग्जैक्टली द सेम एज द वन गिवन इन द क्वेश्चन। शेयर ऑफ प्रीमियम कितना है उसका, उसके इक्वल आना चाहिए ये, ठीक है। चाहिए जी, नोट कर लिया, आगे चले। तो गुडविल के अंदर हमने देख लिया कि पहले स्टेप पे हमने रेज जरूर करना है और फिर हमने सवाल को देखना है कि अब वो सब्सिक्वेंट ट्रीटमेंट के लिए वो क्या कह रहा है। अगर तो वो राइट ऑफ करने के लिए कह रहा है तो हमने फिर क्या करना है, एक डबल एंट्री पास करनी है उसको राइट ऑफ करने के लिए, ठीक है। तो रेज हमेशा, गुडविल हमेशा रेज होगी ओल्ड प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो में, और अगर राइट ऑफ करना हो तो राइट ऑफ होगा हमेशा न्यू प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो में। इज दैट क्लियर जी, क्लियर है बात? चलें जी आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं कि हमारा स्टेप नंबर वन हो गया, हमारा स्टेप नंबर टू हो गया, स्टेप नंबर थ्री है हमारा रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स लायबिलिटीज एंड प्रोविजंस, ठीक है। उसके ऊपर आते हैं, अब रीवैल्यूएशन के लिए भी आप सवाल में आ जाएं, ठीक है। रीवैल्यूएशन से रिलेटेड आपके पास ये दो आइटम्स हैं, और ये क्या कह रहे हैं, रीवैल्यूएशन से पहले समझ लेते हैं रीवैल्यूएशन होता क्या है, होना क्या चाहिए। जैसे ही कोई पार्टनरशिप स्ट्रक्चर में चेंज आए तो पार्टनर्स करते क्या हैं कि वो जाते हैं मार्केट में और वो ये देखते हैं कि जो हमारे पास एसेट्स मौजूद हैं, लायबिलिटीज मौजूद हैं, जो प्रोविजंस वगैरह मौजूद हैं, उनकी मार्केट की वैल्यू क्या चल रही है। आपको इस बात का आइडिया है और होना भी चाहिए कि आपके पास जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में फिगर्स आ रही होती हैं वो किस पे आ रही होती हैं, करंट कैरिंग अमाउंट पे, राइट। हिस्टोरिकल वैल्यूज होती हैं ये, तो ये तो वो होती हैं जितना जितने का खर्चा पड़ा। फॉर एग्जांपल ये लैंड एंड बिल्डिंग है, ये क्या है 3,00,000 रुपीज, दिस इज व्हाट, दिस इज एग्जैक्टली दिस इज द नेट बुक वैल्यू।
कि जो बिजनेस को खर्चा आया था पास्ट में लैंड एंड बिल्डिंग खरीदने के लिए लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। तो अब जरूरी नहीं है कि मार्केट में इस ही तरह के लैंड एंड बिल्डिंग, इस ही कंडीशन में जो लैंड एंड बिल्डिंग है उसकी वैल्यू चल रही हो मार्केट में 3 लाख रुपए। तो हम यहाँ पे क्या देखते हैं, सवाल में आपको गिवन है कि लैंड एंड बिल्डिंग की जो मार्केट में वैल्यू चल रही है वो कितनी है, 3,36,000। आपने कितने पे रिकॉर्ड किया हुआ है, 33 लाख के ऊपर। यानी कि अब आपने एसेट की वैल्यू में 36,000 का इंक्रीज दिखाना है। आपने करना क्या है, आपने अपने सारे एसेट्स और लाइबिलिटीज को लेकर आ जाना है किस पे, मार्केट वैल्यूज पे। क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दिया हुआ होगा, अगर कोई रिवैल्यूएशन की अमाउंट नहीं दी हुई इसका क्या मतलब है, आपकी जो मार्केट वैल्यूज है या जो नेट बुक वैल्यू है या कैरिंग अमाउंट है वो इक्वल है, आपको कोई रिवैल्यूएशन दिखाने की जरूरत नहीं है। तो इस सिनेरियो में क्या हो रहा है, 3 लाख का आपका एसेट था, होना कितने का चाहिए, कितने का दिखाना है बुक्स में, 3,36,000। यानी कि अब डबल एंट्री क्या पास होगी, एसेट अगर, ये मैं आपको एक वो समरी डॉक्यूमेंट जो है वो शेयर कर दूंगी, उसमें लिखा हुआ होगा क्या करना है, लैंड एंड बिल्डिंग इंक्रीज करना है राइट, यानी कि डेबिट करेंगे, एसेट है ये सिर्फ डबल एंट्री अभी समझने के लिए रिकॉर्ड नोट कर ले, वैसे इनकी जरूरत नहीं होती ठीक है, आप डायरेक्टली वर्किंग भी कर सकते हो। आपने क्या करना है, लैंड एंड बिल्डिंग को डेबिट करना है कितने से, 36,000 से इंक्रीज करना है ठीक है, 3 लाख पहले था, 36,000 अब उसका, 3,36,000 अब उसका बैलेंस लेकर आना है। यानी कि 36,000 से हम इस एसेट को क्या कर देंगे, डेबिट, और क्रेडिट किसको करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट, जितने से इंक्रीज करना है ठीक है। बात समझ में आ रही है, एक हमने अकाउंट खोल देना है रीवैल्यूएशन अकाउंट का। फिर हम आते हैं फर्नीचर के बारे में, वो कहता है कि फर्नीचर के जो मार्केट वैल्यू है वो है 72,000। अब हम देखते हैं कि हमारी बुक्स में उसकी वैल्यू कितनी है, 90,000। यानी कि हमारी बुक्स में एसेट की ज्यादा वैल्यू आ रही है, हमने उसको क्या करना है, कम करना है। इसका क्या मतलब है, एसेट आपको कम करना होता है तो आपको क्या करना पड़ेगा, फर्नीचर को करना पड़ेगा क्रेडिट। कितने से, आपके ने इसकी वैल्यू दिखाई हुई है 90,000, बुक्स में आपकी 90,000 आ रही है, कितना कैरिंग अमाउंट आना चाहिए उसका, 72,000। 18,000 से आपने उसको, उसकी फिगर को कम कर देना है राइट। यानी के 18,000 से आपने फर्नीचर के अकाउंट को कर देना है क्रेडिट, और डेबिट किसको करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, तो यहां पे मैं एक जनरल डबल एंट्री लिख देती हूं, अगर कोई भी एसेट हो, नॉन करंट हो, करंट हो, कोई भी एसेट हो, इसको कहते हैं अपवर्ड रिवैल्यूएशन। अगर आपको एसेट की वैल्यू इंक्रीज करनी हो ठीक है, मार्केट वैल्यू आपकी ज्यादा है, मार्केट वैल्यू इज ग्रेटर देन कैरिंग अमाउंट, तो उसको कहेंगे कि वो अपवर्ड रिवैल्यूएशन है, या रिवैल्यूएशन गेन कहते हैं उसको। उस केस में हम क्या करेंगे, एसेट को डेबिट करेंगे और रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। और अगर वाइसी वर्सा है उसको हम कहते हैं डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन या रिवैल्यूएशन लॉस। किस केस में, कि अगर आपने जो रिकॉर्ड किया हुआ है वो वैल्यू ज्यादा है और मार्केट वैल्यू आपकी कम है, उस केस में हमें क्या करना होता है, रिवैल्यूएशन अकाउंट आपका डेबिट हो जाएगा और एसेट आपका हो जाएगा क्रेडिट। ठीक है, बात क्लियर है, नोट कर लें जल्दी से, फिर हम इसको लेके आगे चलते हैं। अपवर्ड रिवैल्यूएशन या ये इसको कहते हैं रिवैल्यूएशन गेन। अब जरा मुझे बताएं, इन्वेंट्री को देखकर बताएं, इन्वेंट्री की मार्केट वैल्यू क्या है, 96,000, एसेट शुड बी रिवैल्यूड एज, इन्वेंट्री की अब वैल्यू आपने कितनी दिखानी है, 96,000। इन्वेंट्री की वैल्यू कितनी आ रही है ऑलरेडी, 1,20,000।
जरा बताएं, अपवर्ड रिवैल्युएशन है, डाउनवर्ड रिवैल्युएशन क्या है? कैरिंग अमाउंट 1,20,000, मार्केट वैल्यू 96,000. अपवर्ड? उस्मान आर यू श्योर? आपने इतने पे रिकॉर्ड किया हुआ था, अब आपको कितने पे लेकर आना है? 96 पे लेकर आना है. डाउनवर्ड हो गई ना, है ना, 24,000 से डाउनवर्ड हो गई. क्या आपने अब एसेट को यानी कि इन्वेंट्री के अकाउंट को क्या करना है, क्रेडिट करना है 24,000 से. और डेबिट किसको करेंगे? रिवैल्युएशन अकाउंट को 24,000 से, राइट. तो ये डबल एंट्रीज बनाना ना जरूरी नहीं है. मैं आपको सिर्फ रिवैल्युएशन मतलब प्रैक्टिस हो जाएगी तो यू कैन डायरेक्टली डू दिस. रिवैल्युएशन अकाउंट अभी बनाते हैं उसको देख देख के. इसी तरह रिसीवेबल्स, एक आपके पास आइटम है रिसीवेबल्स की, अब रिवाइज वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 48,000, ठीक है, 48,000. और 45,000 आपका क्या है? 45,000 आपका कैरिंग अमाउंट है. आपने उसको बढ़ा के कितने पे लेकर आना है? 3,000 पे. ये क्या सिनेरियो हो गया? रिवैल्युएशन गेन का, राइट. यानी कि रिसीवेबल्स आप डेबिट करोगे 3,000 से और क्रेडिट कर दोगे क्या? रिवैल्युएशन अकाउंट. क्लियर है? मैं डबल एंट्रीज की नहीं बना रही, ठीक है. फिर आपके पास ये आता है, क्लेम ऑफ अ ट्रेड पेबल फॉर ₹13,800 इज पेड एट 12,000. यानी कि 1 जनवरी को एज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द होल चेंज इन पार्टनरशिप स्ट्रक्चर क्या हो रहा है? आपने एक अपने किसी सप्लायर को पेमेंट करनी है, कर दी, ठीक है. बिजनेस ने पेमेंट करनी है 1 जनवरी 2014 को. कितने की पेमेंट कर दी? 12,000 की. करनी कितनी की थी? 13,800. तो इन अदर वर्ड ये है क्या? डिस्काउंट रिसीव लग रहा है, राइट. लेकिन इसको हम ले सकते हैं किस सेंस में? रीवैल्युएशन के सेंस में. अब लाइबिलिटीज के लिए हो जाता है किस्सा अलग. और वो क्या होता है जरा मुझे खुद ही सोच के बताएं, डबल एंट्री क्या होगी? क्योंकि लाइबिलिटीज और प्रोविजंस, प्रोविजंस जैसे शाम को पता है, प्रोविजन फॉर बैड डेट हो गया, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन या मुख्तलिफ किस्म के होते हैं, प्रोविजन फॉर स्टॉक ऑब्सोलेसेंस, प्रोविजन फॉर वारंटी एंड क्लेम्स, ये सारे क्या हैं? ये भी क्रेडिट बैलेंस कहलाते हैं, ये भी क्रेडिट बैलेंसेस कहलाते हैं. तो दोनों का ट्रीटमेंट एक ही है, ठीक है. अपवर्ड रिवैल्युएशन के केस में क्या होगा? बिल्कुल नहीं, अपवर्ड रिवैल्युएशन लाइबिलिटी को बढ़ाना है. सॉरी, इसको एक काम करें, अपवर्ड रिवैल्युएशन ना कहें, इसको कहें रिवैल्युएशन गेन. गेन किस सूरत में होगा? इसको मैं सिर्फ रिवैल्युएशन गेन ही कह रही हूं. रिवैल्युएशन गेन, गेन टू द बिजनेस किस सूरत में होगा? कि अगर लायबिलिटी थी ज्यादा लेकिन आपने उसको कम करना हो. बात समझ आ रही है? यानी कि आपके पास लाइबिलिटी कम हो तो ये तो आपके लिए अच्छी चीज होती है ना. एक बिजनेस के लिए अच्छी चीज होती है कि भाई लाइबिलिटी कम हो गई, राइट. तो हमेशा इस बात को याद रखें, लाइबिलिटी या प्रोविजन उस केस में होगा डेबिट, और क्रेडिट किसके क्या होगा? रिवैल्युएशन अकाउंट, ठीक है. तो रिवैल्युएशन अकाउंट आपका हमेशा, आपको पता है गेन या इनकम का नेचर क्या होता है? क्रेडिट होता है. तो आप इस तरह से याद रख सकते हैं कि जहां पे भी गेन की सिचुएशन आ जाए, एक पॉजिटिव चीज आ जाए, वहां पे आपका रिवैल्युएशन अकाउंट होगा क्या? क्रेडिट होगा, राइट. और अगर हम बात करें इसी सिनेरियो में रिवैल्युएशन लॉस की, लॉस व्हाट? लॉस टू द बिजनेस. तो अगर लायबिलिटी बढ़ती है या प्रोविजन बढ़ता है तो वो हमारे लिए क्या होगा? एक लॉस वाली बात होती है, हमारे लिए एक नेगेटिव बात होती है, और रिवैल्युएशन अकाउंट आपका हो जाएगा डेबिट, राइट. कर लिया नोट सब? नहीं है, टेंशन आ रहे, समझ नहीं आ रही तो क्वेश्चन करेंगे, क्लियर हो जाएगा. अब जरा मुझे इधर देख के बताएं, यहां पे क्या सिचुएशन हो रहा है? पेमेंट को भी आप इग्नोर कर दें, ठीक है ये डिस्काउंट रिसीव भी. लेकिन अगर मैं आपको ये कहूं, जरा मुझे रिवैल्युएशन के सेंस में जरा सोच के बताएं, लायबिलिटी थी कितनी? 13,800 ज्यादा की थी. कितने पे वो सेटल हुई? 12,000 पे. दिस इज अ बेनिफिट, राइट.
बेनिफिट टू द बिजनेस, राइट, कि उसको 1800 कम पैसे पे करने पड़ गए, यानी कि कौन सा सिचुएशन है, दिस इज रीवैल्यूएशन गेन का सिचुएशन है। तो असल में इसमें हुआ क्या, 13,800 की लाइबिलिटी थी, हमने 1800 से पहले उस लाइबिलिटी को कर देना है कम, कितने पे ले आना है 12,000 पे, और फिर जाके उसकी पेमेंट करनी है, ठीक है। तो यानी कि 1800 का आपने रीवैल्यूएशन गेन बुक करना है। अब मैं आपको दिखाती हूँ, आप अल्टीमेटली प्रैक्टिस करने के बाद इस पोजीशन में होंगे कि आप डायरेक्टली रीवैल्यूएशन अकाउंट बना सके। याद रखिएगा, अभी तक हमने करंट अकाउंट नहीं बनाया, क्यों, क्योंकि बाकी स्टेप्स में भी अब करंट अकाउंट की डबल एंट्रीज हमने पास करनी है, इंक्लूडिंग इस वाले स्टेप में। तो करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट बनाना, ये दोनों जो हैं, ये सबसे आखिरी आखिर के काम है। सबसे पहला काम आप बना सकते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट ही आप अभी बना सकते हैं, क्योंकि अभी बना के अभी खत्म, क्लोज हो जाएगा, ठीक है। अब हम एक एक करके क्या करते हैं, देखते हैं कि हमारे पास जितने भी रिवैल्यूएशन गेन्स और लॉसेस हुए हैं, हम उनको रिकॉर्ड कर लें। तो पहला आपके पास क्या आया, रिवैल्यूएशन गेन आया, लैंड एंड बिल्डिंग का काम बनाने की जरूरत नहीं है। फिर हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे, जिसमें हमने उनको कर देना है 36,000 से क्रेडिट होते हुए दिखाना है। फिर आपके पास क्या था, फिर आपके पास है फर्नीचर, जिसमें रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है 18,000 से। तो आपने एक मिनट प्लीज, पेश हुआ क्या, अच्छा वो मेरे ख्याल से डेटा सारा जो है वो लॉस ना, ठीक है, चले कोई बात नहीं। आप लोगों ने नोटिंग तो की हुई थी ना, आई होप, ठीक है। तो मुझे एक एक करके बताते रहेगा, लैंड एंड बिल्डिंग 36,000, फर्नीचर पे आए थे हम, फर्नीचर था हमारा 18,000, ठीक है, ठीक है, 18,000 से आपका फर्नीचर हो गया। फिर हमारे पास क्या है, इन्वेंट्री जो है वो हमने कम करनी थी, इन्वेंट्री को हमने क्या करना था, क्रेडिट और डेबिट करना था 24,000 से रिवैल्यूएशन अकाउंट, राइट, आपका लॉस सही है, पहले इन्वेंट्री की वैल्यू ज्यादा थी, अब कम हो गई, लॉस हो गया। एसेट है, एसेट की वैल्यू कम नहीं होनी चाहिए, राइट। फिर आपके पास क्या है, रिसीवेबल्स हैं 48,000 के, पहले 45,000 के थे, एसेट की वैल्यू में इंक्रीज आ गया, अच्छी बात है, 3,000 से आपने रिवैल्यूएशन अकाउंट में इसको क्रेडिट कर देना है। तो आपने क्या करना है, देखिए यहाँ पे जो फिगर्स आएंगी वो आएगा डिफरेंस, कितने से इंक्रीज या डिक्रीज आया। इंक्रीज इन एसेट आपने हमेशा दिखाना है किधर, क्रेडिट साइड पर, रिवैल्यूएशन अकाउंट में, ठीक है, और डिक्रीज इन एसेट, इस तरह के पॉइंटर्स बनाया करें, ठीक है, इस तरह के छोटे छोटे पॉइंट्स नोट करके अपने पास लिख दिया करें शॉर्टकट के लिए। तो डिक्रीज इन एसेट आए तो जिस अमाउंट से डिक्रीज आया वो आपने रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड पे लिख देना है, ठीक है। ये तो हमारे पास हो गए सारे एसेट। फिर हमारे पास लाइबिलिटी के लिए सिर्फ एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, वो क्या कह रहा है, देखिए यहाँ पे जरा ख्याल रखिएगा, टोटल लाइबिलिटीज, टोटल ट्रेड पेबल्स आपके पास कितने हैं, 37,200, वो सारे के सारे आपने पे ऑफ नहीं किए, 37,200 में से जो 13,800 की सप्लायर की अमाउंट थी उसको आपने पे किया है 12,000 पे, बात समझ में आ रही है, राइट। तो ये जो रिवैल्यूएशन गेन या लॉस है ये सिर्फ एक पर्टिकुलर अमाउंट पे आया है, पूरी कैटेगरी पे नहीं आया, जरूरी है भी नहीं, बाकी कैटेगरी इसका मतलब है उसी अमाउंट पे आपने कैरी फॉरवर्ड करनी है, उसका कोई रिवैल्यूड अमाउंट कोई दूसरा नहीं है, इज दैट क्लियर। यहाँ पे एक और चीज देखें, अदर इन्फॉर्मेशन में अक्रूड एक्सपेंसेस से रिलेटेड उन्होंने हमें बताया हुआ ही नहीं है कि इसकी रिवैल्यूड अमाउंट कितनी है, उसका क्या मतलब है, अक्रूड एक्सपेंसेस उसकी मार्केट वैल्यू, रिवैल्यूड अमाउंट भी 24,000 है, यानी कि उसमें कोई रिवैल्यूएशन गेन या लॉस की सिचुएशन नहीं है, ठीक है।
तो यहाँ पे हमने क्या किया था, ये क्या सिचुएशन है, डिक्रीज इन लाइबिलिटी का, एंड डिक्रीज इन लाइबिलिटी इज व्हाट, इट्स योर गेन, राइट। इंक्रीज इन एसेट या डिक्रीज इन लाइबिलिटी और प्रोविजन, ये दोनों दिखाएंगे आप क्रेडिट साइड पे। ट्रेड पेबल्स 1800, ठीक है। एंड लाइक वाइज अगर कोई इंक्रीज इन लाइबिलिटी है या इंक्रीज इन कोई प्रोविजन है, तो वो आपने दिखाना है किस साइड पे, डेबिट साइड पे। तो इस सिचुएशन में यहाँ पे कोई और नहीं है, ठीक है। तो हमारी जितनी भी रिवैल्यूएशन थी वो तो हमने कर ली कंप्लीट। अब जरा मुझे एक बात बताएं, नेट बेसिस पे टोटल मतलब क्या गेन, और ऑन अ नेट बेसिस क्या आया, रिवैल्यूएशन गेन ज्यादा है या लॉसेस ज्यादा है। तो उसके लिए हम ये कर सकते हैं, हमारे पास टोटल रिवैल्यूएशन गेन्स कितने हैं, 36,000। इसको मैं यहाँ पे एक और चीज लिख देती हूँ, ये साइड आपकी रिप्रेजेंट करती है रिवैल्यूएशन गेन की, और ये साइड रिप्रेजेंट करती है रिवैल्यूएशन लॉस की। शॉर्टकट एक और, तो हमारे पास टोटल रिवैल्यूएशन गेन्स कितने हैं, 36,000 प्लस 3,000 यानी कि 39,000, और 39,000 प्लस 1,800 यानी कि 40,800, राइट। 40,800 आपके पास टोटल रिवैल्यूएशन गेन्स हैं, और लॉसेस कितने हैं, तो भी करें जरा, 42,000, राइट। इतना ही आ रहा है, जल्दी से करें कैलकुलेट, 42,000 है ना टोटल लॉसेस। हाँ ठीक है, तो हम ये देखते हैं कि नेट बेसिस पे हमारे पास 1,200 रुपए से लॉसेस ज्यादा हैं। इन अदर वर्ड्स, ये वाली जो मेरी साइड है, ठीक है, 42,000, ये 42,000 है, इसको जब हम टोटल करते हैं तो वो हमारे पास आता है 40,800। तो लॉस आपके भारी है, लॉस आपके ऊपर हावी है, राइट। इसका क्या मतलब है आपको पता है, बैलेंस करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम लिख देंगे 1,200, ये हमारा इस तरह से बैलेंस हो जाएगा, ये वाला टोटल भी हमारा 42,000 आ जाएगा। अब ये 1,200 रिप्रेजेंट क्या करता है, 1,200 रिप्रेजेंट करता है नेट रीवैल्यूएशन लॉस। कैसे लॉस, लॉस वाली साइड आपकी ज्यादा है, लॉसेस आपके पास 1,200 से ज्यादा है, गेन्स आपके पास कम है। तो आपको ये पता है हर किस्म के प्रॉफिट एंड लॉस पे, बिजनेस के हर एसेट एंड लाइबिलिटी पे पार्टनर्स का हक है, इन व्हाट रेशियो, प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो। अब सवाल ये आता है, पीएसआर तो हमारे पास कितने हैं, दो आ गए, एक ओल्ड पीएसआर और एक न्यू पीएसआर। तो अब इस रिवैल्यूएशन लॉस को हमने किस रेशियो पे डिवाइड करना है पार्टनर्स के दरमियान, ओल्ड पीएसआर में या न्यू पीएसआर में। जी ओल्ड पीएसआर में करेंगे, और इसको समझने के लिए इतना ही काफी है, आप ये कहें कि ये रिवैल्यूएशन गेन आना या रिवैल्यूएशन लॉस आना, बता रही हूं सिर्फ समझने के लिए, दिस इज नॉट एन ऑफिशियल एक्सप्लेनेशन, लेकिन फ्रॉम अ स्टूडेंट टू अ स्टूडेंट, मतलब मैं अगर एज अ स्टूडेंट समझने के लिए जो मैं चीज अपने दिमाग में बिठाती थी वो इस तरह से, फॉर एग्जाम्पल जिस तरह हमने गुडविल को रेस करते हुए, हाँ बिल्कुल ये बात कह सकते हैं, न्यू पार्टनर का कोई हाथ नहीं है इसमें। अगर रिवैल्यूएशन गेन भी होता नेट, तो उसमें हम कहते हैं कि न्यू पार्टनर का तो कोई हाथ नहीं है उसमें, उसकी तो कोई मेहनत नहीं है। इसी तरह अगर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एसेट्स के अंदर आपने आपका रिवैल्यूएशन लॉस आया है, लाइबिलिटी मतलब टोटल बिजनेस में एसेट्स और लाइबिलिटीज के अंदर रिवैल्यूएशन लॉस आया, तो उसमें अगेन न्यू का कोई हाथ नहीं है, कोई कसूर नहीं है, इन अदर वर्ड समझने के लिए, ठीक है। जिस तरह गुडविल में हम बेनिफिट दे रहे थे किसको, न्यू ओल्ड पार्टनर्स को, सारों को, है ना, रेस करते हुए। तो इसी तरह यहाँ पे रिवैल्यूएशन को भी हमने किसमें एलोकेट करना है, पुराने पार्टनर्स को ये डिस्ट्रीब्यूट करना है, कि ये इस समझने के लिए पुराने पार्टनर्स की ये गलती है, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, यहाँ पे पार्टनर्स करंट अकाउंट, और कौन से पार्टनर्स, W, X और Y, किस रेशियो में, 3:6, 2:6, 1:6, ठीक है, बात क्लियर है।
तो जब आप इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 600, 400 और 200, 600 जी। क्लास शुरू हो गई आपकी एफ आर टू की? किसी की क्लास है अभी एफ आर टू की? अच्छा, कंफर्म कर दें, सिर्फ नसीर की होती है? नसीर तो है नहीं अभी क्लास में। उस्मान, हमीदुल्ला, हसनैन, उसामा, एफ आर टू तो नहीं है। मैं थोड़ा कंटिन्यू कर लूँ, क्वेश्चन कंप्लीट कर लें हम लोग, या थोड़ा सा आगे प्रोग्रेस कर लें जी? जल्दी से जरा उन्हें जवाब दे दें। नो मैम, यानी कि वी कैन गो फर्दर, राइट? ठीक है, वी कैन कंटिन्यू। ऑलराइट, ठीक है, हिम्मत है ना सब में? चले, वेरी गुड गुड। इसी स्पिरिट से इंशाल्लाह हम लोग क्लास लेते रहेंगे, तो एग्जाम भी इसी स्पिरिट से देंगे, तो फिर इंशाल्लाह मजा आ जाएगा, राइट? तो अब हमने क्या किया, हमने करंट अकाउंट की इन्वॉल्वमेंट देखी सबसे, सॉरी सेकेंड स्टेप नंबर टू पे। गुडविल में हमें करंट अकाउंट के अंदर डबल एंट्रीज पास करनी है, और हमारा एक जो इन्वॉल्वमेंट हो रहा है करंट अकाउंट का, वो हो रहा है रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर, ठीक है? अच्छा जी, ये हमारा स्टेप नंबर कौन सा था, थ्री था? नहीं, स्टेप नंबर थ्री है। स्टेप नंबर थ्री हमारा हो गया कंप्लीट, राइट? अब हम आते हैं स्टेप नंबर फोर पे, और स्टेप नंबर फोर हमारा क्या था? उसमें थी तीन चीजें, मैंने तीन चीजों को एक ही उसमें डाल दिया था, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड रिजर्व, एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट एरर, और तीसरा था आपका करंट ट्रांसफर ऑफ करंट अकाउंट इनटू कैपिटल अकाउंट। अब यहाँ पे इसमें क्या सिचुएशन है, यहाँ पे सिर्फ तीनों में से एक ही चीज अप्लाई हो रही है, और वो कौन सी हो रही है, रिजर्व की। कैसे? यहाँ पे हमें कोई करंट अकाउंट नजर आ ही नहीं रहे जो हमें ट्रांसफर करने हो कैपिटल अकाउंट के अंदर, राइट? तो वो वाला किस्सा तो खत्म। इसी तरह अदर इन्फॉर्मेशन में उन्होंने हमें पिछले सालों से रिलेटेड कोई प्रॉफिट के अंदर एरर नहीं बताया हुआ, सब चीजें बिल्कुल ठीक ठीक है। तो सिर्फ एक चीज कौन सी रहती है सवाल के अंदर, अप्लाई कौन सा करता है, रिजर्व का। तो सबसे पहले स्टेप पे हमने क्या करना है, ठीक है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड रिजर्व, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड रिजर्व। अब रिजर्व क्या होते हैं, ये बात मैंने मंडे को बताई थी, रिजर्व होते हैं अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स, वो प्रॉफिट्स जो कि आपने ओवर द इयर्स पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट नहीं किए, यानी के जो के करंट अकाउंट में नहीं आए या कैपिटल अकाउंट में नहीं गए, राइट? यानी कि अप्रोप्रिएशन उनकी नहीं हुई। इनका दूसरा वर्ड है, वैसे तो बहुत सारे प्रॉफिट्स होते हैं, लेकिन अभी इस सिनेरियो में ये अप्लाई होता है, यानी कि वो प्रॉफिट जो कि पार्टनर्स ने ये डिसाइड किया कि ये हम अपने करंट अकाउंट में नहीं लेके जाएंगे, हम घर नहीं लेके जाना चाह रहे, ये हम चाह रहे हैं कि हम दोबारा से वापस बिजनेस में इन्वेस्ट कर दें, बिजनेस के अंदर रिटेन कर दें, राइट? यानी कि ये वो प्रॉफिट्स हैं जो कि पार्टनर्स नहीं लेके गए अब तक अपने घरों में, ठीक है? तो सबसे पहला स्टेप आपने करना क्या है इसमें, क्वेश्चन में आपने देखे, मैंने अभी और कोई चीज पढ़ी नहीं है क्वेश्चन के अंदर, वो जो रिजर्व के बारे में बोल रहा है कि वो विड्रॉ करें, वो चीज अभी हम पढ़े ही नहीं हमने, ठीक है? हम क्या कह रहे हैं, आंखें बंद करके हमें सबसे पहला काम क्या करना है, अगर आपको एक दिन पहले की स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, यानी कि पुरानी फर्म की स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में रिजर्व आपको नजर आ गया, आपने ये कहना है अदर इंफॉर्मेशन में और क्या लिखा हुआ है उसके बारे में, उस पर मैं आऊंगी बाद में। सबसे पहला काम क्या करना है, मुझे इन रिजर्व को अब क्या कर देना है, डिस्ट्रीब्यूट कर देना है पार्टनर्स के दरमियान, ठीक है? अब जरा मुझे बताएं, डबल एंट्री क्या होगी डिस्ट्रीब्यूशन की, सबसे पहली चीज
ये क्रेडिट बैलेंस नजर आ रहा है ना, अगर डेबिट बैलेंस होता हो सकता है अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉसेस भी हो सकते हैं, है ना। लेकिन आपको ये पता है आप किस हेडिंग में खड़े हुए हैं, इक्विटी की हेडिंग में खड़े हुए हैं, और इक्विटी की हेडिंग में बाकी सारे आइटम्स क्या हैं जो पॉजिटिव नजर आ रहे हैं, उनको क्या हम कहते हैं कि क्रेडिट बैलेंसेस हैं। तो इसका मतलब है ये रिजर्व की जो फिगर है 178,800, ये भी क्या है, क्रेडिट बैलेंस है, यानी कि ये पिछले सालों के एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब अगर मैं आपको ये कहूं कि रिजर्व का अकाउंट खत्म कर देना है, क्या हुआ था, पार्टनर्स के करंट अकाउंट में नहीं गया था ना, मैंने क्या करना है, नहीं हमीदुल्ला, पहले स्टेप पे मैंने रिजर्व के अकाउंट को खत्म करना है। ये जो बात हो रही है ना डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड रिजर्व, इसका क्या मतलब है कि रिजर्व का अकाउंट मैंने खत्म कर देना है, और उसमें जितनी भी अमाउंट थी उसको मैंने लेके चले जाना है कहां पे, पार्टनर्स के करंट या कैपिटल अकाउंट के अंदर। बात समझ आ रही है? अच्छा इसमें सॉरी एक एडजस्टमेंट आप जरा कर लें, जहां जहां पे भी आपने करंट अकाउंट लिखा हुआ है ना, पार्टनर्स करंट अकाउंट, उसको जरा काट के कैपिटल अकाउंट कर दें, क्योंकि यहाँ पे वो कोई नहीं है, ये गलती हो गई, यहाँ पे करंट अकाउंट नहीं आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे करंट अकाउंट अभी है ही नहीं ना, बना हुआ है ही नहीं क्वेश्चन के अंदर, वो लोग फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं। तो जरा अपने पास जरा ये करेक्शन कर लें प्लीज, हर जगह पे गुडविल में आया था और इधर आया था रिवैल्यूएशन में आया था, कर लिया सब करके मुझे ओके कर दें। स्टेप नंबर टू में आया था गुडविल में, दो जगह पे काट के उसको पार्टनर कैपिटल अकाउंट कर दें, और यहाँ पे आया था रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर, ठीक है, पार्टनर कैपिटल अकाउंट, यानी कि इसमें आपने करंट अकाउंट की इन्वॉल्वमेंट करनी नहीं है, ये बात ये है, पार्टनर कैपिटल अकाउंट हमेशा हिट होगा इन सारी एडजस्टमेंट्स के केस में, इन वट एवर क्वेश्चन, किसी भी सवाल के अंदर, ठीक है, भले उसमें करंट अकाउंट हो मौजूद या ना हो, हर सिनेरियो में कैपिटल अकाउंट ही हिट होना है। अच्छा अब वो क्या कह रहे हैं, अब आपने क्या करना है, रिजर्व के अकाउंट को कर देना है खत्म। चले वेरी गुड, रिजर्व के अकाउंट को खत्म करके उसमें जितना भी पैसा था वो आपने ट्रांसफर कर देना है पार्टनर्स के नाम पर, यानी कि कैपिटल अकाउंट में उसको ट्रांसफर कर देना है। अब रिजर्व ये कौन सा बैलेंस आ रहा है, क्रेडिट बैलेंस, यानी कि क्रेडिट अकाउंट है ये, इसको खत्म करने के लिए हमें क्या करना होगा, रिजर्व के अकाउंट को करना होगा डेबिट, है ना, रिजर्व का जो टी अकाउंट है उसको हमने कर दिया डेबिट 178,800 से, हो गया जीरो, हो गया बैलेंस, रिजर्व में अब कोई भी नहीं बचा, है ना। अब हम क्रेडिट क्या करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स को अब हमने करना है क्रेडिट, सवाल वही आता है ओल्ड पार्टनर या न्यू पार्टनर, तो इसमें भी वही वाली लॉजिक आएगी कि ये जो प्रॉफिट कमाया गया है जो कि रिटेन रखा था, ये किसकी मेहनत है, ओल्ड पार्टनर्स की, W, X और Y की, तो आपने 3/6, 2/6 और 1/6 पे इसको डिवाइड कर देना, 178,800 को आपने इस ओल्ड PSR में कर दिया डिवाइड, 89,400, 59,600 और 29,800, कैलकुलेशन कर ले, जी क्लियर है बात। तो स्टेप नंबर फोर भी हमारा हो गया कंप्लीट रिजर्व के लिए, और इस स्टेप को हम बस यहां तक ही लिमिट कर देते हैं, आगे वो सवाल में कुछ बात कर रहा है रिजर्व के बारे में, क्या कह रहा है, ये रहा, हाफ ऑफ द रिजर्व इज टू बी विदड्रॉन बाय द पार्टनर्स, यानी कि ड्रॉइंग की अभी ये बात कर रहा है कि जो रिजर्व है आपने देखे पहले स्टेप पे क्या कर देना है, आंखें बंद करके पूरी की पूरी फिगर को कर दिया डेबिट और क्रेडिट कर दिया कैपिटल अकाउंट, ये जो बात कर रहा है कि हाफ ऑफ द रिजर्व अब उसमें से विड्रॉ होगा, उस चीज का इस पे कोई फर्क नहीं पड़ा, क्लियर है ना बात, सबसे पहले स्टेप पे ये चीज अगर ना भी मेंशन होती सवाल के अंदर तब भी हमने ये स्टेप नंबर फोर तो करना ही था, ठीक है। स्टेप नंबर फोर इज एंटायरली इंडिपेंडेंट ऑफ व्हाटएवर इज रिटन इन पॉइंट नंबर फाइव, बिल्कुल अलग अलग चीजें दोनों,
तो पहले स्टेप पे हमने स्टेप नंबर फोर में ये काम कर दिया कि जितना भी रिजर्व था, रिजर्व अकाउंट अब हमने कर दिया खत्म, और उसका सारा का सारा बैलेंस ट्रांसफर कर दिया किसमें, कैपिटल अकाउंट के अंदर, ओल्ड पीएसआर में. इज दैट क्लियर? सही है. यहां पे आके हमारा स्टेप हो गया, स्टेप नंबर फोर हो गया खत्म. अब हम आते हैं स्टेप नंबर फाइव पे, और जिसमें क्या था, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल. अब इसमें जितनी भी बाकी सारी चीजें बची हैं उनकी हम डबल एंट्रीज लिखेंगे. डबल एंट्रीज शुरू में आपने पास करनी है ताकि आपको हर चीज क्लियर हो जाए, कोई चीज मिस आउट ना हो. ठीक है. अब हम एक एक करके सवाल दोबारा से पढ़ते हैं और देखते हैं कि हमने किस आइटम की डबल एंट्री पास कर दी, किसकी नहीं की. जो रह गई वो अब इस स्टेप में हम करेंगे. चलें इधर आ जाए. सबसे पहला स्टेप, सबसे पहला पॉइंट, जी विल ब्रिंग इन कैश इन रुपीज 90,000 एज कैपिटल एंड 72,000 एज प्रीमियम फॉर गुडविल. इस चीज को हमने इस्तेमाल कर किया था सिर्फ और सिर्फ गुडविल की कैलकुलेशन के लिए. लेकिन ये पॉइंट नंबर वन क्या क्या रहा है कि जी जो है वो 90,000 रुपए और 72,000 रुपीज लेकर आएगा इन कैश. कैश की फॉर्म में वो ये पैसा लेकर आएगा बिजनेस में, यानी कि टोटल कितना अमाउंट लेकर आएगा कैश या बैंक के थ्रू, 1,62,000. उसकी अभी तक हमने कोई डबल एंट्री पास नहीं की है ना, उसकी हमने कोई डबल एंट्री पास नहीं की. तो इसका मतलब है अब उसकी हम डबल एंट्री रिकॉर्ड कर लेते हैं अपने पास. तो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल में पहली डबल एंट्री क्या पास हो रही है इस सवाल के अंदर, हमारे पास कैश है या सिर्फ एक ही है, कैश एट बैंक ही है. तो हमने क्या कर दिया, बैंक को हमने डेबिट करना है 1,62,000 से. कैसे 1,62,000, 90,000 प्लस 72,000. कैश आया है ना इतने का, वो तो रिकॉर्ड करना ही है. क्रेडिट किसको करेंगे, कैपिटल अकाउंट. कौन से पार्टनर, जी का. जाहिर सी बात है ये पैसा तो सिर्फ जी लेकर आया है, इसमें तो कोई डिविजन की बात ही नहीं है. तो 1,62,000 से हमने पार्टनर जी का कैपिटल अकाउंट कर देना है क्रेडिट. इज दैट क्लियर. अब पॉइंट नंबर वन में जो था वो सारा का सारा हमने अकाउंट फॉर कर लिया. दिस इज कंप्लीट, इसको हम कर देंगे हाईलाइट. ठीक है, ये वाला हमने, अब इसका कोई और एंट्री नहीं रहती. ये जो इंफॉर्मेशन थी ये हमने इस्तेमाल की थी पीएसआर कैलकुलेट करने के लिए, ये भी हमारा काम हो गया. रीवैल्यूएशन वाला भी जितना काम था वो हम कर चुके हैं ऑलरेडी, है ना, रीवैल्यूएशन स्टेप नंबर थ्री में. सिमिलरली अब ये बात आ गई. अब देखें यहाँ पे जरा गौर से देखिएगा, पॉइंट नंबर थ्री में क्या हो रहा है, एसेट्स की सिर्फ उन्होंने आपको रीवैल्यूड अमाउंट दी है कि जो भी एसेट है वो, जो ये वाला एसेट है वो अब इतने की वैल्यू है, जो ये वाला एसेट है इसमें से हमने किसी एसेट को बेचा नहीं है, है ना. लेकिन पॉइंट नंबर फोर में वो क्या कह रहा है, दो चीजें हो रही है पॉइंट नंबर फोर में. एक तो 1,800 की क्या हो रही है, रीवैल्यूएशन हो रही है, और दूसरी चीज क्या हो रही है, पेमेंट भी हो रही है 12,000 की. और इसकी हमने क्या करनी है, डबल एंट्री अभी पास करनी है. ये जो पिछला आपके पास स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजिशन था इसमें पेमेंट अभी तक नहीं हुई हुई थी. पेमेंट कब हुई है, 1 जनवरी 2014 को हुई है. और ये जो पेमेंट हुई है, दिस इज व्हाट, दिस इज वन ऑफ द टर्म्स ऑफ द चेंजेस इन पार्टनरशिप स्ट्रक्चर. फॉर एग्जाम्पल, पार्टनर जी जब आए ऑफिस में उन्होंने कहा मुझे नहीं पता, बस आपने इस सप्लायर को पे ऑफ कर देना है, मैंने इस सप्लायर के साथ कोई डीलिंग नहीं करनी. समझने के लिए ये कर लिया उसने, फटा खड़ा कर दिया कि मैं जब तक नहीं आऊंगा इस ऑफिस में जब तक इस सप्लायर से हमारा सारा हिसाब किताब आप चुका ना दे. तो क्या हुआ, चेंज इन पार्टनरशिप स्ट्रक्चर का एक ये टर्म है कि आपने क्या कर देना है, पेमेंट भी करनी है इस सप्लायर को. कितने की पेमेंट करनी है, जो इससे रिलेटेड रीवैल्यूएशन की डबल एंट्री है वो तो हम पास कर चुके हैं, राइट, 1,800 की. हमने 13,800 की लाइबिलिटी को रीवैल्यू करके 12,000 पे ले आए. अब इस 12,000 की पेमेंट भी दिखानी है, तो यानी कि हमने डबल एंट्री क्या पास करनी है, हमने अभी डबल एंट्री पास करनी है, सेकेंड डबल एंट्री है ट्रेड पेबल को पेमेंट है ट्रेड पे, और पेमेंट कितने की है 12,000 की. ट्रेड पेबल को 12,000 से डेबिट करना है और बैंक को 12,000 से क्रेडिट करना है. इज दैट क्लियर जी.
उस्मान, हमीदुल्ला, हसनैन, जवाद, उसामा, क्रिस्टल क्लियर है? ठीक है, जबरदस्त। कोई कंफ्यूजन है तो मुझे बता दें। अच्छा, अब क्या हुआ? अब इस स्टेटमेंट में जितनी भी चीजें थी, रिवैल्यूएशन गेन या लॉस एंड द पेमेंट एलिमेंट, दोनों काम हमने कर लिए, ठीक है। अब हम आते हैं पॉइंट नंबर 5 पे। अब ये बात क्या कर रहा है? विड्रॉन यानी कि ड्रॉइंग की बात कर रहा है कि जो आधे रिजर्व है, हाफ ऑफ द रिजर्व अमाउंट इज टू बी विड्रॉन बाय द पार्टनर्स। तो ये जो उन्होंने आपको हाफ ऑफ द रिजर्व बता दिया ना, ये सिर्फ फिगर बताने के लिए आपको बताया है कि कितनी फिगर उन्होंने विड्रॉ करनी है। तो आप खुद अब इसमें कैलकुलेशन कर लें। 178,800 क्या था टोटल रिजर्व की फिगर थी। पार्टनर ने ये डिसाइड किया कि हम इसमें से आधा क्या कर लेंगे, विड्रॉ कर लेंगे, यानी कि 89,400 टोटल ड्रॉइंग होगी W, X और Y की कलेक्टिवली, और इंडिविजुअली दोनों की, तीनों की क्या क्या होगी, 3/6, 2/6 और 1/6 के रेशियो में। ठीक है, बात क्लियर है? यानी कि अब वो जो विड्रॉ करेंगे 44,700, एक तरीका तो ये है समझने का, दूसरा भी मैं बता देती हूँ, 29,800। और दूसरा जो इसका तरीका है वो ये है, हमने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिजर्व कहा गया, ये रहा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिजर्व में हमने ये कहा था कि W, X और Y को इतनी इतनी फिगर्स जाती हैं, राइट, रिजर्व की। आप इसका दूसरा ये करें कि W ने ये डिसाइड किया कि मुझे 89,400 का एलोकेशन मिली है ना, इसमें से मैं आधा विड्रॉ कर लेता हूँ, 89,400 का हाफ करेंगे 44,700 आएगा। एक्स ने ये डिसाइड किया मैं भी इसमें से आधा विड्रॉ कर लेता हूँ। वाई ने कहा मैं भी इसमें से आधा आधा विड्रॉ कर लेता हूँ। तो अपने रिस्पेक्टिव हिस्सों में से उन्होंने हाफ एंड हाफ विड्रॉ करने का सोचा। इस तरीके से कैलकुलेशन करें या उस तरह से करें, जी कुछ भी विड्रॉ नहीं कर सकता, राइट, क्यों? क्योंकि इन्होंने यहाँ पे स्पेसिफिकली बता दिया है कि ड्रॉइंग कहाँ से हो रही है, रिजर्व की एंटाइटलमेंट से, और रिजर्व किसको मिला है, सिर्फ और सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स को। तो जी का इसमें कोई ड्रॉइंग की बात आती नहीं है। इज दैट क्लियर? कुछ और भी हो सकता था उसमें, फिर हो सकता है जी का भी लिखा होता कि जी भी इतनी ड्रॉइंग करेगा, राइट, लेकिन क्योंकि विड्रॉइंग अब यहाँ पे हो रही है रिजर्व में से, तो सिर्फ और सिर्फ पुराने पार्टनर्स में ही ये विड्रॉ करना है। इज दैट क्लियर? तो अब ड्रॉइंग की क्या डबल एंट्री होती है पार्टनरशिप के अंदर, हमें ये पता है कि ड्रॉइंग नाम का कोई अकाउंट नहीं है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट है। इन एनी केस हमें चेंजेस इन पार्टनरशिप स्ट्रक्चर में सारा काम करना है कैपिटल अकाउंट के अंदर। तो अब हमारे पास डबल एंट्री क्या बनेगी, और हम ये अज्यूम कह रहे हैं कि वो सारा का सारा, टू मेक थिंग्स सिंपल फॉर अस इन द एब्सेंस ऑफ एनी इंफॉर्मेशन, हम ये कहेंगे कि सारा का सारा पैसा वो बैंक से निकल रहा है। इज दैट क्लियर? तो बैंक आपने कर दिया क्रेडिट और डेबिट कर दिया पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट, ठीक है जी, कर लिया नोट। आगे चले जल्दी से, फिर क्लोज करते हैं, बहुत टाइम हो गया ऊपर, ठीक है। यानी कि अब आपने ड्रॉइंग का भी किस्सा कर दिया खत्म, राइट, और ये वाली बात, राइट ऑफ वाली बात भी आप कर चुके थे। इसका मतलब ये हुआ कि अब जितनी भी डबल एंट्रीज हैं वो आपने कर दी हैं पास। आखिरी स्टेप पे आपने क्या करना है, कैपिटल अकाउंट बस बना देना है, टी अकाउंट आप बनाए। जी भी आएगा इसमें, ठीक है, ठीक है। वी स्टार्ट विद बैलेंस ब्रॉट डाउन। बैलेंस ब्रॉट डाउन क्या होगा, एक दिन पहले की जो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन है उसमें जो बैलेंसेस आ रहे होंगे वो आपके बैलेंस ब्रॉट डाउन होंगे, 180, 120 और 60,000। और निल, ठीक है, जी का बैलेंस कोई भी ब्रॉट डाउन नहीं होगा। फिर हम एक एक करके अब जरा स्टेप नंबर 2 निकाले आपका गुडविल का,
जल्दी से अपने पास निकालें। गुडविल के स्टेप में पहली डबल एंट्री क्या थी? गुडविल डेबिट और पार्टनर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, राइट, ओल्ड पीएसआर में। तो हमने क्या किया, गुडविल को क्रेडिट कर दिया टू, सॉरी गुडविल को डेबिट किया, कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। ठीक है, और जी को मिल। उसी स्टेप में सेकेंड डबल एंट्री क्या थी कि गुडविल को क्रेडिट करके आपने डेबिट क्या करना है, कैपिटल अकाउंट। तो गुडविल को आपने क्रेडिट करके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट कर दिए एंड नाउ 180,000 न्यू पीएसआर में, 120,000, 60,000 और 72,000। ये आपका हो गया स्टेप नंबर टू। फिर स्टेप नंबर थ्री में यहाँ पे भी आपको कैपिटल अकाउंट की इन्वॉल्वमेंट नजर आ रही है, राइट। स्टेप नंबर थ्री में रीवैल्यूएशन लॉस अब आपने एलोकेट करना है। तो क्या हो रहा है, ये जो बैलेंसिंग फिगर है 1200 की, जिसका ब्रेकअप है 600, 400 और 200, 1200 से रीवैल्यूएशन का अकाउंट हो रहा है क्रेडिट। तो डेबिट क्या होगा, पार्टनर कैपिटल अकाउंट। याद रखने के लिए क्या है, रीवैल्यूएशन लॉस है, राइट। और हमने ये देखा था कि शेयर ऑफ लॉस कहां पे जा रहा होता है, कैपिटल और करंट अकाउंट में, डेबिट साइड पे। तो आपने हमेशा याद रखना है कि रीवैल्यूएशन लॉस की जो फिगर जाएगी उससे हो क्या रहा है, डबल एंट्री क्या बन रही है, 1200 से रीवैल्यूएशन अकाउंट हो रहा है क्रेडिट और डेबिट हो रहा है 600, 400 और 200 से कैपिटल अकाउंट। ठीक है, और निल, जीरो कुछ भी नहीं मिलेगा। फिर हमारे पास स्टेप नंबर थ्री हो गया। स्टेप नंबर फोर में हमने क्या किया था, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड रिजर्व। इसमें भी कैपिटल अकाउंट की इन्वॉल्वमेंट है, 89,400 से क्रेडिट हो रहा है 59,600 एंड 29,800। और इसमें हम दिखा देंगे रिजर्व क्रेडिट, सॉरी डेबिट, और ये क्रेडिट हो गया 89,400, 59,600 और 29,800 और निल। फिर हम आते हैं स्टेप नंबर फाइव पे। स्टेप नंबर फाइव की डबल एंट्रीज में जहां जहां कैपिटल अकाउंट इन्वॉल्व हो रहा है हम वहां वहां एडजस्टमेंट कर देते हैं। सबसे पहला हो रहा है हमारा यहाँ पे एंट्री नंबर वन, 162,000 से हमने बैंक को डेबिट किया और जी के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देना, बैंक, ठीक है, और ये निल, निल और निल। फिर हमारे पास दूसरी डबल एंट्रीज की कहां पर आ रही है, कैपिटल अकाउंट और कहां इन्वॉल्व हो रहा है, इधर कुछ इन्वॉल्वमेंट नहीं है। नंबर थ्री में अब आपके पास इन्वॉल्वमेंट आ रही है, 44,700 से आपने ड्रॉइंग दिखानी है बेसिकली अब, ठीक है। तो आपने यहाँ पे बैंक किया और आपने कर दिया और निल, ठीक है, बस खत्म हो गया। सारे आपके पास डबल एंट्री जो थी जहां जहां कैपिटल अकाउंट आ रहा था वहां पे आपने कैपिटल अकाउंट के एडजस्टमेंट दिखा दी। अब क्या काम करना है, बैलेंस कैरेट डाउन निकालना है। कैसे निकलेगा, बैलेंसिंग फिगर, राइट। तो जब आप बैलेंस कैरेट डाउन अब आप निकालेंगे चारों के, वो रिप्रेजेंट करता है कि न्यू फॉर्म में अब इनके कितना कितना बैलेंस बनता है, ठीक है। तो 260,100, 173,400, 86,700 और 90,000, ठीक है। अच्छा, ये काम तो आपका हो गया कैपिटल अकाउंट का। ये बात जरा नोट करें, सवाल के अंदर आपके पास सवाल में इन्होंने क्या बोला हुआ है के जो मिस्टर जी का कैपिटल कितना है, 90,000, है ना। तो आपने इत्तेफाक से जो डबल एंट्रीज पास हुई है वो ऐसी ही पास हुई है कि आपके पास जो रिजल्टेंट कैरेट डाउन आया है वो आई 90,000 रहा है, ठीक है, क्योंकि आपने गुडविल को तो रेस करके राइट ऑफ कर दिया, ठीक है। राइट ऑफ हो गया, इसका मतलब क्या हुआ कि अब जो इन बैलेंसेस के अंदर फिगर्स आ रही है उसमें अब गुडविल का कोई ट्रेस ही नहीं है, राइट।
और आपके पास जो पीछे बैलेंस बचे हैं वो, ये सिर्फ ऐसे ही ऑफ द रिकॉर्ड एक चीज है कि अब आपके पास राइट ऑफ गुडविल रिटन ऑफ के केस में बैलेंस कैरेट डाउन ऑफ द न्यू पार्टनर वुड ऑलवेज बी इक्वल टू व्हाट हिज शेयर ऑफ कैपिटल ओनली। ठीक है, क्लियर होगी बात। कैपिटल अकाउंट ही हमारा हो गया कंप्लीट। अब सवाल का जो दूसरा पोर्शन है वो क्या कहता है, आपने नेसेसरी एडजस्टमेंट दिखा दी कैपिटल अकाउंट के अंदर, आपने अब बनाना है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ न्यू फर्म, बन जाएगी एसओएफपी, अब बन जाएगा। क्या ख्याल रखना है, बैंक के अकाउंट को एडजस्ट करना है, ट्रेड पेबल के अकाउंट को एडजस्ट करना है, एसेट्स के अकाउंट को एडजस्ट करना है, जो डबल एंट्रीज हुई हुई है अब आपने उनको अकाउंट फॉर करना है। जैसे हमने कैपिटल अकाउंट को बनाते हुए सारे कैपिटल अकाउंट के एडजस्टमेंट्स को देखा ना, उसी तरह अब आपने बैंक को करते हुए बैंक का ख्याल रखना है, लायबिलिटी को करते हुए लायबिलिटी का, एसेट को करते हुए अटेम्प्ट करें उसको। इंशाल्लाह फिर मैं कल इसका आपको सोल्यूशन दिखा दूंगी, मुश्किल नहीं होना चाहिए। और आपका जो इक्विटी एंड लायबिलिटीज का जो पोर्शन है, ये वाला जो हेडिंग आएगी कैपिटल एंड लायबिलिटीज में, कैपिटल अकाउंट्स में अब आ जाएगा डब्ल्यू एक्स वाई और जी, और उसमें आपने कौन सी फिगर लिख देनी है, ये वाली, ठीक है, ये जो नई वाली है। चलें जी, इसको ट्राई करें। थैंक यू फॉर लिसनिंग। इंशाल्लाह कल मिलते हैं। कल हम एक काम करें, आपका एक और होमवर्क है, एक तो इसका एसओएफपी आपने बनाना है और एक आप क्वेश्चन नंबर M15 को जरूर अटेम्प्ट कीजिएगा, ठीक है, सिवाय स्टेप नंबर टू के जो गुडविल वाला है, क्योंकि गुडविल के बारे में अब वो कुछ और कह रहा है, गुडविल के बारे में कह रहा है कि कीप गुडविल इन द बुक्स, तो ये फिर मैं इंशाल्लाह इसका कोई वो नहीं है, हमने राइट ऑफ का सीख लिया, तो कीप में क्या होगा, सिर्फ राइट ऑफ की डबल एंट्री पास नहीं होगी जो एंट्री नंबर टू है। तो स्टेप नंबर टू में शायद आप लोग फंस जाएं, उसके अलावा आपने बाकी सारा काम करना है, ठीक है, M15। और जिन्होंने टेस्ट अटेम्प्ट नहीं किया हुआ पार्टनरशिप का, उन्होंने अटेम्प्ट करके मुझे उसका सोल्यूशन देना है, या वो खुद भी चेक कर लें तो वो भी ठीक है। चलें जी, इंशाल्लाह कल मिलते हैं। कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं अभी, कोई क्वेश्चन हो, क्वेरी हो जी। हमीदुल्ला, हसनैन, जवाद, सामा, कैर, चलें ठीक है, इंशाल्लाह फिर कल मिलते हैं। हैव अ नाइस डे, अल्लाह हाफिज।